हेलो एवरीवन वेलकम वेल्कम ऑन एग्जाम्पुर एंड वेलकम ऑन न्यू करंट अफेयर क्लासेस आज की जो क्लास है सिक्स जनवरी की करंट अफेयर पर फोकस्ड है आज की क्लास में हम कुछ नया और इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे जैसे जो कल का करंट अफेयर की क्लास हुई है उस करंट अफेयर्स में से कुछ एमसी आज हम प्रैक्टिस करेंगे सो so दैट ये देखने के लिए कि आपने कल कितना अटेंटिवली इस क्लास को अटेंड किया था ठीक है और कुछ करंट अफेयर और मेंस पर एक सिंपल आंसर राइटिंग आज लेंगे फिर थोड़ा थोड़ा आंसर्स के नेचर को वेलुएट करते हुए आगे और चेंजेस उसमें डेवलप करेंगे ठीक है तो अभी फिलहाल के लिए हम कुछ एम जो आज के करंट अफेयर पर और कल के करंट अफेयर पर बेस्ड होंगे कल से आपका जो करंट अफेयर होगा वो एक दिन पीछे के एमसी को हम डिस्कस करेंगे ताकि वो आपको रिवाइज हो जाए ठीक है कल का जो करंट अफेयर का टॉपिक आपने स्टडीज किया स्टडी किया है वो भी आपका रिवीजन हो जाए और उस पर बेस्ड मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है थोड़ा थोड़ा पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखेंगे ठीक है ज्यादा फोकस जो है एमसीक्यूज पर रहेगा प्रलिम्स ओरिएंटेड रहेगा क्योंकि 2021 में पहले ट्वेंटी होगा बाद में मेंस होगा बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन मेंस में भी थोड़े थोड़े से देखते चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो डेवलप होती रहे ठीक है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें प्रिपरेशन के इनिशियल फेज से ही आपको क्या करना है रीड रिवाइज रिप्रोड्यूस ठीक है पढ़ना है रिवीज़न करना है और उस पर बेस जो क्वेश्चन है एमसी क्यूज है वो सॉल्व करने हैं ठीक है हेलो एवरी वन शुक्ला हेलो आर आर हेलो जय हिंद सुमित तिवारी जय हिंद भाई जय हिंद ठीक है जय हिंद जय हिंद की सेना ओके okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर आ रहा है वो करंट अफेयर रिलेटेड है इंडिया ने एक नया डील किया है जिसमें वो लिथियम के इंपोर्ट को लिथियम के इंपोर्ट को बढ़ाएगा लिथियम का जो इंपोर्ट है अर्जेंटीना से ठीक है वो करेगा इसको लेकर के एक नया डील साइन हुआ है सो इंडिया टू एक्सप्लोर लिथियम रिजर्व इन अर्जेंटीना ठीक है अब क्यों लिथियम पर फोकस किया जा रहा है क्यों इंडिया जो है ना लिथियम का इंपोर्ट बढ़ा रहा है लिथियम की क्या इंपॉर्टेंस है लिथियम कहाँ कहाँ यूज होता है किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है लिथियम को लेकर के क्या क्या पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की इसको हम यहाँ पर एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे ठीक है सो इंडिया हैज इंग पैक्ट इंडिया ने एक पैक्ट किया है जिसमें वो अर्जेंटीना के साथ में वहां पर एक ज्वाइंट प्रोस्पेक्ट जो लिथियम uh, एक्सप्लोरेशन का काम वहां पर करेगा ठीक है तो याद रखिएगा इंडिया ने किसके साथ किया है अर्जेंटीना के साथ किया है जिस जिसमें वो अर्जेंटीना में जो लिथियम रिजर्व है उनको एक्सप्लोर करने का काम करेगा इट इज अ ज्वाइंट वेंचर मिलकर के इनको काम करना है तो अगर हम साउथ अमेरिका को देखें अर्जेंटीना कहां पर है साउथ अमेरिका में है तो यहां पर अगर हम साउथ अमेरिका का मैप देखें तो ये रीजन इस रीजन में कौन से माउंटेन है इस रीजन में जो माउंटेन है वो एंडीज माउंटेन है एंडीज माउंटेन का ये वाला रीजन जहां पर तीन कंट्रीज हैं अर्जेंटीना अर्जेंटीना चिले और बोलीविया ठीक है अर्जेंटीना चिले एंड बोलीविया इन तीनों का इन तीनों का ये जो जंक्शन वाला एरिया है यहां पर दुनिया में सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लिथियम के रिजर्व पाए जाते हैं ठीक है सबसे ज्यादा अमाउंट लिथियम के रिजर्व पाए जाते हैं ठीक है याद रखिएगा इन तीन कंट्री को बोलीविया अर्जेंटीना और चिले को इनको बोलते हैं लिथियम ट्राइपोटाइट ठीक है तो ये ये लिथियम है जहां ये तीन कंट्री में दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है इस एरिया में लिथियम के रिजर्व बहुत ज्यादा है ठीक है तो इसमें जो इंडिया है वो ऑलरेडी बोलीविया के साथ में पैक्ट कर चुका है बोलीविया के साथ में इन्होंने अप्रैल 2019 में पैक्ट किया था बोलीविया से बोलीविया में लिथियम के एक्सप्लोरेशन और वहाँ से लिथियम को भारत में इंपोर्ट करने का अब अर्जेंटीना के साथ में ये किया गया है और इन फ्यूचर यही पॉलिसी गवर्नमेंट की चिले के साथ भी लिथियम के आ, के इंपोर्ट को लेकर के है ठीक है तो चलिए आइए देखते हैं लिथियम की क्या इम्पोर्टेंस है ये मूव क्यों लिया गया है ठीक है तो अगर हम प्रेजेंटली देखें तो गवर्नमेंट किस पॉलिसी को किस पॉलिसी को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट जो है इस टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा दे रही है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज है वो टोटल व्हीकल का केवल दो परसेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज होता है 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसे 40 परसेंट तक इंक्रीज किया जाए 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज जो है वो कितना पहुंचाया जाए 40% परसेंट तक टोटल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो यूज है वो बढ़ाया जाए तो करंटली इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंडिया जो है लिथियम को लेकर के क्या है हेवीली डिपेंडेंट है किस पर इंपोर्ट पर ठीक है भारत में याद रखिए भारत में अगर स्टेटमेंट आता है कि भारत में पर, ए, 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 लिथियम के बड़े रिजर्व पाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है भारत में लिथियम के रिजर्व नहीं है भारत में लिथियम की कोई एक्टिव माइन नहीं है ठीक है कोई भी एक्टिव माइन लिथियम की भारत में नहीं पाई जाती है सो इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ लिथियम द इंपोर्ट ऑफ लिथियम सेल्स ठीक है अभी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे लिथियम ऑयन सेल्स क्या होते हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे तो इन चीजों का जो है ना इंडिया बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है और ये जो लिथियम सेल का इंपोर्ट है ये सबसे ज्यादा इंडिया में चाइना से होता है ठीक है जितना भी सेलफोन्स आप यूज करते हैं सेलफोन्स में जो बैटरीज हैं वो लिथियम ऑइन बैटरीज हैं ठीक है थीके? तो सबसे ज्यादा जो लिथियम ऑयन का प्रयोग होता है वो बैटरी बनाने में किया जाता है और लिथियम भारत में पाया नहीं जाता है तो स्वाभाविक सी बात है इट इज बट नेचुरल कि हम लिथियम का क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे हमको लिथियम क्या करना पड़ेगा लेकर के आना पड़ेगा ठीक है तो अभी हम लिथियम की सेल्स जो है वो बड़ी मात्रा में चाइना से इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर सेलफोन कंपनीज जो है वो चाइना की है तो ज्यादातर लिथियम सेल लिथियम ऑयन सेल जो है वो चाइना से आता है अब रॉ मटेरियल भी जो है वो चाइना से बड़ी मात्रा में आता है अब भारत और चाइना को अगर हम देखें तो भारत क्या है ठीक है भारत सिंपू शुक्ला थैंक यू सो मच आपको अच्छी क्लास लग रही है बढ़िया से बैठिए पढ़िए सीखिए आगे बढ़िए ठीक है तो भारत और चाइना का आप देखें तो कई जगहों पर बॉर्डर एरिया में टसल चल रहा है भारत ने आत्मनिर्भर पॉलिसी जो है वो अपनाई है चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए ठीक है तो उसी का एक हिस्सा है कि हम चाइना से अपने इंपोर्ट को क्या करें डाइवर्ट करके दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ में ये करें इसी को लेकर के एक मूव जो है वो अर्जेंटीना के साथ लिथियम के एक्सप्लोरेशन का समझौता है ठीक है इंडिया इज सीन एज अ लेट मूवर लेट मूवर का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मार्केट है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मार्केट है ये मार्केट बहुत आ, तेजी से एक फ्लरिश कर रहा है एक्सप्लोर हो रहा है ठीक है तो अब जब ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है भारत को भी लिथियम सेल खुद से मैन्युफैक्चर करने होंगे ठीक है लिथियम के इस सेक्टर में भारत को एंटर होना होगा बड़ा मार्केट शेयर भारत को ग्रैब करना होगा तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा पर क्या हुआ है टेस्ला जैसी कंपनीज टेस्ला जो है टेस्ला इलॉन मस्क की कंपनी है इलॉन मस्क जो है इन्होंने टेस्ला कंपनी के माध्यम से एक रेवोल्यूशनरी काम किया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेक्टर में अब टेस्ला कंपनी अपनी कारों को लेकर के भारत में भी आ रही है बहुत जल्दी टेस्ला जो है अपनी कारें भारत में भी बेचने लगेगी टेस्ला इज़ बेसिकली फेमस फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और स्पेस एक्स अपने रॉकेट्स वगैरह के लिए भी टेस्ला फेमस है तो चूंकि ये जो कंपनीज हैं ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रही हैं क्योंकि ये मार्केट जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है अगर हम देखें तो 2014 में अभी मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाऊंगा 2014 में जो लिथियम ऑयन बैटरीज हैं या लिथियम से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं इनकी डिमांड बहुत कम थी बिल्कुल ना के बराबर थे ठीक है पर अगर अभी हम देखें तो इनका डिमांड जो है वो पहले से तीन गुना ज्यादा बढ़ चुका है तो, तो क्या है कि अब भारत क्या है इसमें पीछे आ चुका है अभी तक भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो लिथियम ऑइन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लेवल की हो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो भी कंपनीज वो वो भारत की नहीं है अगर भारत में तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है उनका तो भारत की नहीं है वो भारत के बाहर की है तो इंडिया जो है ना इसमें क्या है लेट मूवर है और इस सेक्टर में इंडिया को ज्यादा मेहनत करके आगे आने की जरूरत है इस वजह से यह समझौता किया गया देखिए जि जितने भी ऐसे समझौते किए जाते हैं उनके एस्पेक्ट आप ध्यान रखिएगा ये समझौते क्यों किए जा रहे हैं ये किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिथियम है नहीं हमारी ज्यादा डिपेंडेंस किस पर है चाइना के ऊपर है बड़ा हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है चाइना से लिथियम आयन बैटरी खरीदने में चला जाता है ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो लिथियम आयन बैटरी सप्लाई करने वाली फॉरेन की कंपनीज हैं तो हमारा जो रेवेन्यू है वो इस सेक्टर से बिल्कुल जनरेट नहीं होता है तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये जो है इंडिया ने ये समझौता किया है ठीक है एंड 2021 इज लाइकली टू बी एंड क्या होगा 2021 जो है अगर आप देखिए तो इस कोरोना पीरियड में क्या हुआ है इस कोरोना पीरियड में कोरोना पीरियड में क्या हुआ है कि बहुत सारा इंडस्ट्रीज जो है वो बंद रहा है लॉकडाउन की वजह से तो इन्वायरमेंट क्या हुआ है बिल्कुल साफ सुथरा हो गया ठीक है इन्वायरमेंट जब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया तो ह्यूमन को ये पता चला कि साफ सुथरे इन्वायरमेंट के हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं हमने भी उस समय बेहतर हवा दिल्ली में महसूस की दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन था वो बिल्कुल ना के बराबर था पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कैसा है वो गुड लेवल पर है ग्रीन सिग्नल दे रहा था ठीक है तो इस कोरोना पीरियड में लोगों को ये रियलाइज हुआ कि अगर फैक्ट्रीज अगर एमिशन बंद हो मोटर व्हीकल्स वगैरह चलने बंद हो तो इन्वायरमेंट कितना साफ हो हो सकता है तो हमको भी एक आदत लगी कि बेहतर इन्वायरमेंट क्या होता है उसकी वैल्यू क्या होती है अब उस दिशा में लोगों का भी ये डिमांड रहेगा कि उस तरीके का बेहतर एम्बियंट एयर क्वालिटी जो है वो उनको मिले अब वो गवर्नमेंट से इस तरीके की डिमांड करेंगे और गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज किया कि बेहतर एयर क्वालिटी जो है वो कई सारे हेल्थ बेनिफिट लेकर के आती है और मेडिकल एक्सपेंसेस को कम कर देती है जो आपके मेडिकल खर्चे हैं उनको भी कम कर देती है तो इसलिए 2021 से हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाएगा क्योंकि इनसे जो है पॉल्यूशन वगैरह जनरेट नहीं होता है ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ज्यादा प्रमोट करना है तो हमको लिथियम ऑयन लिथियम बैटरी चाहिए उसके लिए लिथियम चाहिए कोबाल्ट चाहिए निकल चाहिए इस तरीके के तमाम मटेरियल वगैरह चाहिए होते हैं और इस तरी उस सेल को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हमको चाहिए ठीक है तो इन सब के लिए सबसे पहले सबसे पहले क्या चाहिए लिथियम चाहिए मच्छर मारने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है मच्छर मारने के लिए सबसे पहले मच्छर चाहिए होता है ठीक है उसी तरीके से लिथियम ऑयन बैटरीज बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए ठीक है सबसे पहले हमको चाहिए लिथियम तो हम लिथियम का इंपोर्ट करेंगे भारत में चूँकि है नहीं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा इसका इंपोर्ट ही करना पड़ेगा अब इंपोर्ट हम चाइना से क्यों करें चाइना जब हम चाइना जो है हम चाइना से हमारा टसल चल रहा है चाइना जो है हमारे लिए एक हॉस्टाइल कंट्री है हमारे बॉर्डर एरिया में डिस्प्यूट है तो हम चाइना से क्यों करें हम उन कंट्रीज से करें जो हमारे लिए फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं अब फ्रेंडली कंट्रीज़ में जहां पर यूरेनियम भी बड़ी मात्रा में होना चाहिए ठीक है ताकि वहां से आप इंपोर्ट करें तो अधिक उत्पादन से इकोनॉमी ऑफ स्केल मीट आउट हो मतलब जब अधिक उत्पादन होता है तो उसका कॉस्ट जो है वो कम होता है तो इसको लेकर के अगर हम देखें तो इंडिया इज रेडी टू ज्वाइन द ग्लोबल रेस ऑफ लिथियम ऑइन बैटरीज ठीक है एक स्ट्रैटेजिक मिनरल है जैसे लिथियम कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है लिथियम कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ठीक है दीज मिनरल्स किसमें यूज होते हैं बैटरी बनाने में ठीक है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए स्मार्टफोन वगैरह बनाने में लैपटॉप्स बनाने में डिफेंस एंड स्पेस टेक इक्विपमेंट्स इसरो ने भी लिथियम आयन बैटरी का यूज करके कुछ स्पेस क्राफ्ट वगैरह डेवलप करने का प्रयास कर रही है तो भविष्य में ये जो लिथियम बैटरीज हैं वो स्पेस सेक्टर में भी यूज होंगी ठीक है सो so, इससे क्या होगा भारत ने मैंने अभी बताया कि 2030 तक ये टारगेट रखा है कि ज्यादा से ज्यादा हमको जो व्हीकल हैं वो लिथियम ऑइन बैटरी बेस्ड होंगे इससे क्या होगा एमिशन कम होगा इन्वायरमेंट साफ सुथरा होगा इन्वायरमेंट साफ सुथरा होगा तो आ, लोगों को हेल्थ डिजीजेज जो लंग्स uh, से रिलेटेड रेस्पिरेटरी रिलेटेड पलमोनेटरी डिजीजे जो पॉल्यूशन की वजह से वो नहीं होंगी ठीक है अर्जेंटीना बोलीविया और जो चिले हैं ये ट्रेंगल कंट्रीज लिथियम ट्रेंगल कंट्रीज माने जाते हैं जैसे मैंने अभी बताया तो जाए कि लिथियम लिथियम ट्रायंगल में याद रखिएगा तीन कंट्रीज है कौन कौन सी अर्जेंटीना बोलीविया अर्जेंटीना बोलीविया और चिले ठीक है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो लिथियम है वो इन तीन कंट्रीज के पास में है इसका भी अभी मैं ग्राफ भी आपको दिखाता हूं ठीक है सो so, यहां पर क्या करना है? इन कंट्रीज से हमको मेजर इंपोर्ट करना है इससे हमारा चाइना के ऊपर जो है डिपेंडेंस कम होगा और चाइना को जो इस सेक्टर में स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट भी भारत को क्या करना है लेना है ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगों को ठीक है चलिए क्या मेमर तक क्लियरली अंडरस्टैंडिंग थैंक यू सो मच ओके चलो सिंपी शुक्ला मैं अच्छा पढ़ाता हूं थैंक यू सो मच तो अगर हम देखें तो इंडिया नीड नियरली कितना हमको लिथियम चाहिए थ्री पॉइंट फाइव 3.5 लाख टन ऑफ लिथियम हमें पर ईयर चाहिए होगा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड को बढ़ाते हैं अभी जैसे अगर देखिए तो टाटा की भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गया है टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गया है एम जी मोटर्स का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ही मार्केट आपको दिखाई पड़ेगा आप देख लीजिएगा अगले दो तीन सालों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो बहुत तेजी से डेवलप हो जाएंगे ठीक है और यहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांड होती है लिथियम ऑइन बैटरीज की अभी हम इसके बारे में आज पूरा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेक्टर क्या है इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर वो डेटा मैंने मेंशन किया है कि बोलीविया ने भी भारत ने 2019 में अप्रैल 2019 में भारत ने बोलीविया के साथ भी लिथियम इंपोर्ट का समझौता किया अभी चिली के साथ में ऐसा कोई समझौता नहीं है भविष्य में जो है ना वो चिली के साथ में भी ऐसा समझौता हो जाएगा तो बोलीविया के साथ में भी भारत ने एमओयू साइन किया हुआ है दो में ही यह कर लिया है ठीक है और रिसर्चर्स एंड एटोमिक मिनरल डायरेक्टोरेट ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मिनरल डायरेक्टोरेट इलेक्ट्रॉनिक मिनरल डायरेक्टोरेट जो है ये किसके अंडर यूनिट है ये इंडियाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंडिया का एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक यूनिट है ठीक है इसने ये कहा है इसने एस्टिमेट किया है दो फरवरी फबरी दो में ये खबर आई थी कि इसने एक जगह पर कर्नाटक के सदन कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर सर्वे किया है और वहां पर इन्होंने पाया है कि चौदह हजार एक सौ टन करीब चौदह हजार टन का एक छोटा यूरेनियम रिजर्व है तो अगर आपसे यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाए ठीक है ये क्या क्वेश्चन बन जाए कि दिस एक चीज याद रखिएगा भारत में ये पहला इस तरीके का एरिया रिकॉग्नाइज किया गया है जहां पर लिथियम के रिजर्व हैं ठीक है थीके? भारत में और कहीं पर लिथियम के रिजर्व अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं तो सदन पार्ट ऑफ कर्नाटका में लिथियम का रिजर्व जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है जहां चौदह हजार टन है और भारत को कितना चाहिए हर साल साढ़े तीन लाख टन जो है भारत को चाहिए उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है ठीक है भारत को हर साल इतना चाहिए अगर हमको चाइना को जो है लिथियम सेक्टर में पीछे करना है तो अगर हम यहां पर देखें ओवरऑल एनर्जी डिमांड को लेकर के तो इंडिया का इंपोर्ट लिथियम बैटरीज पर आप देखिए ठीक है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है 2017 में तीन मिलियन डॉलर का भारत इंपोर्ट करता था लिथियम बैटरीज का ठीक है और अब देखिए 1.2 बिलियन डॉलर का क्या है इंपोर्ट हो रहा है तो आप जरा सोचिए कि लगभग तीन गुना बढ़ोतरी जो है वो हो गई है लिथियम के बैटरी के इंपोर्ट को लेकर के ठीक है लिथियम बैटरी इंपोर्ट को लेकर के तीन गुना बढ़ोतरी यहां पर हो गई है और भारत को बहुत जल्दी लिथियम का इंपोर्ट बंद करके ठीक है या कम करके अपने यहां पर लिथियम बैटरीज जो है वो बनानी होगी लिथियम बैटरी के इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा नहीं तो बड़ी मात्रा में पैसा जो है फॉरेक्स रिजर्व इस पर खर्च हो रहा है अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखें तो ग्लोबल सिनेरियो अगर आप देखिए तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि लिथियम का कंजम्पन दो में ग्लोबल एस्पेक्ट देखें तो 2014 में जो लिथियम का कंजम्पशन है ठीक है उससे बढ़ करके कितनी तेजी से लिथियम का कंजम्शन कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं उनका जो यूज है उनका यूज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो 2024 का एस्टिमेट देखें तो कई गुना जो है इनका जो डिमांड है वो बहुत तेजी से इंक्रीज़ हो रही है लगभग थर्टी के आसपास लिथियम बैटरीज का जो मार्केट डिमांड है वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है तो 2024 का एक एस्टिमेट दिया है बहुत शार्प राइज हो रहा है मतलब क्योंकि क्या है जो फॉसिल फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा पेट्रोलियम रिजर्व जो है 2050 तक जाते जाते जो है लगभग डिप्लीट हो जाएंगे तो हमको अल्टरनेट फ्यूल चाहिए होगा अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए तो ये एक बड़ा सोर्स बन रहा है अल्टरनेट व्हीकल का ठीक है ओम ओम गुड इवनिंग ठीक है तो अगर हम देखें तो लिथियम ऑयन बैटरीज का जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है अब यहां पर वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए क्या है याद रखिएगा कहां पर लिथियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है कहां पर रिजर्व सबसे ज्यादा है अगर हम देखें तो ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम में प्रोड्यूसर में जो है अर्जेंटीना वो चौथे स्थान पर आता है प्रोड्यूसर में अगर देखें तो अर्जेंटीना जो है वो चौथे स्थान पर आता है टोटल प्रोडक्शन का एट जो है वो अर्जेंटीना में होता है तो आपको लमसम यह याद रखना है क्योंकि भारत ने अर्जेंटीना के साथ में एमओयू साइन किया है लिथियम इंपोर्ट को लेकर के तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया चिली और चाइना ये अभी तीन बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं उसके बाद है अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे ठीक है याद रखिए भारत का नंबर यहां पर कहीं पर नहीं है तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया ठीक है 52.9 परसेंट जो है ग्लोबल प्रोडक्शन का ऑस्ट्रेलिया से आता है फिर ट्वेंटी परसेंट चिले में चाइना में 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 9.7 अर्जेंटीना 8.3 और जी बॉम्बे 2.1 ठीक है तो तो अगर हम देखें लिथियम तो का जो प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है अर्जेंटीना चौथे स्थान पर है अगर हम रिजर्व की बात करें तो अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर है ठीक है अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर चिले में सबसे ज्यादा है पचपन परसेंट लिथियम सिर्फ चिले में है ऑस्ट्रेलिया में है अर्जेंटीना में है फिर चाइना में है फिर यूएसए में है ठीक है तो अगर हम देखें तो लिथियम के रिजर्व के मामले में अर्जेंटीना जो है वो तीसरे स्थान पर है पर अगर हम लिथियम की बैटरी बनाने के केस में देखें तो चाइना जो है वो सबसे आगे है ठीक है ये तो सिर्फ लिथियम का प्रोडक्शन और लिथियम के रिजर्व है पर लिथियम ऑइन बैटरी बनाने के केस में देखें तो चाइना लिथियम ऑइन बैटरी बनाने के केस में सबसे ठीक है सबसे आगे है चलिए अब अगर यहां पर देखें तो कंट्रीज विद लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व में चिली जो है वो सबसे ज्यादा है छियासी लाख छियासी लाख मीट्रिक टन जो है वो चिले में रिजर्व है तो आप देख के ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो लिथियम के रिजर्व हैं वो कहां पर हैं चिले में हैं और अर्जेंटीना जो है इस मामले में तीसरे स्थान पर है अगर हम लिथियम लिथियमॉइन बैटरी का एक डेटा देखें कहां पर लिथियम बैटरीज जो है वो बड़ी मात्रा में बनाई जाती हैं तो लिथियम बैटरी बनाने की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो टेस्ला की फैक्ट्री है

तो लिथियम ऑयन बैटरी का जो मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है बैटरी का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है कुछ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखें तो 2025 तक जो है 2025 तक ये 94.4 बिलियन का मार्केट जो है होने जा रहा है 94.4 बिलियन का जो मार्केट है वो लिथियम ऑयन बैटरी का हो जाएगा ठीक है तो अब ये सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर कितनी तेजी से बूम कर रहा है और इस सेक्टर में भारत को जल्दी एंटर होने की जरूरत है वरना तो क्या होगा भारत जो है वो पिछड़ जाएगा इस सेक्टर में ठीक है और चाइना वगैरह इसमें अपना दाव ले जाएंगे आइए थोड़ा सा लिथियम के बारे में देखते हैं लिथियम की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं तो अगर हम देखें तो लिथियम इस लाइटेस्ट मेटल ठीक है लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर थ्री है लिथियम का सो लिथियम जो है ना एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है इसका सिंबल जो है वो क्या है एल है सिंबल इसका सिंबल क्या होता Li है एल है ठीक है एटोमिक नंबर क्या है इसका तीन है ठीक है ये काफी सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट एल्कलाइन मैटर है एल्कलाइन मतलब छारी होता है काफी रिएक्टिव होता है ठीक है एल्कलाइन मैटर है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन जो है इसको रखा जाता है नहीं ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है इसको जो है ऑयल वगैरह में रखा जाता है ताकि ये रिएक्ट ना करने पाए काफी फ्लेमेबल है ठीक है इसमें आग जो है वो आसानी से लग जाती है इसी वजह से इसको मिनरल ऑयल वगैरह में स्टोर किया जाता है ठीक है सो लिथियम जो है वो एल्कलाई मेटल है और सबसे हल्के मेटल्स में है सबसे हल्के मेटल्स में है ठीक है सबसे कम एटॉमिक नंबर के मेटल्स में है ठीक है जब इसको हम कट करते हैं तो इससे जो मेटलिक ग्लो है वो निकलता है ठीक है सो लिथियम मेटल इज आइसोलेटेड आइसोलेटेड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटली जो है ना ये आइसोलेटेड है अभी मैं इसका आपको आ, प्रोसेस भी दिखाता हूं कि कैसे लिथियम बैटरीज जो है वो काम करती हैं ठीक है और ये बेसिक बेसिक रॉ मटेरियल है लिथियम ऑइन बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लगने वाली बैटरीज को बनाने के लिए ठीक है तो अगर लिथियम ऑयन बैटरीज को देखें तो ये क्या होती है रिचार्जेबल होती है इनको रिचार्ज किया जा सकता है दे आर कॉमनली यूज इन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो सकती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो सकती हैं एरोस्पेस में एरोस्पेस एप्लीकेशन में यूज हो सकती हैं अब इसका मिलिट्री यूज जो है वो भी बढ़ रहा है कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी इनका यूज किया जा रहा है ठीक है कब ये पहली बार बनाई गई थी तो इसका जो प्रोटोटाइप है लिथियम लिथेमॉइन बैटरी का वो सबसे पहली 1985 में बनाया गया था अकीरा योशिनो के द्वारा अकीरा योशिनो के द्वारा 1985 में पहली बार लिथियम लिथेमॉन बैटरी का प्रोटोटाइप बनाया गया था फिर लगातार इस पर तमाम प्रयास जो है अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो करते चले गए दो में लिथियम में बैटरी बनाने के लिए केमिस्ट्री का नोबल प्राइज भी दिया गया था ठीक है केमिस्ट्री का नोबल प्राइज भी इस बैटरी को बनाने के लिए दिया गया था ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अब इसमें देखें इसमें क्या होता है ये लिथियम प्लेट होती है ठीक है दिस इज लिथियम लिथियम प्लेट प्लेट है अब इसमें जो है ना इसको समझें कि जो बैटरी है इसमें लिथियम आयन मूव जब वो डिस्चार्ज होती है तो उसमें लिथियम आयंस जो है बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो लिथियम आयन मूव करते हैं ठीक है लिथियम आयंस लिथियम आयन मूव फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ठीक है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है हो, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और जब बैटरी चार्ज होती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं जो हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ठीक है इस मोशन की वजह से एनर्जी जनरेट होती है लिथियम ऑयन बैटरी यूज द यूज द इंटरकैल लिथियम कंपाउंड एज ए मटीरियल इसको यहां पर आप मैप में देखिए तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा ठीक है तो बैटरी दिस इज ये लिथियम बैटरी का एक स्ट्रक्चर है ठीक है तो अभी क्या हो रहा है जब चार्ज होते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पॉजिटिव साइड में जमा होते हैं ठीक है इधर पॉजिटिव साइड जमा होते हैं। होते हैं हैं जब डिस्चार्ज तो ये नेगेटिव साइड में ट्रांसफर होते हैं ठीक है तो यहां पर पॉजिटिव साइड में जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है ठीक है एनर्जी स्टोर हो जाती है और यहां पर लिथियम प्लेट होती है जो इन इलेक्ट्रोलाइट्स को पास होने देती है ठीक है और उनको चार्ज और एनर्जी uh, स्टोरेज की कैपेसिटी उनको बनाए रखती है सेपरेटर भी होती है एक तरीके से सो बैटरी हैव हाई एनर्जी डेंसिटी इस बैटरी का जो लेड बैटरी है उससे ज्यादा जो अमीमन आप जो सेल यूज करते हैं वो लेड सेल होते हैं लेड सेल से ज्यादा जो है वो इनका एनर्जी डेंसिटी होता है ठीक है इनका एनर्जी डेंसिटी जो है वो उससे ज्यादा होता है और शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है शेल्फ लाइफ मतलब ये ज्यादा समय तक चार्ज रह सकती है देर में डिस्चार्ज होंगी इस तरीके की इनकी जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है अब इसकी लिमिटेशन देखें तो डिस्पाइट द इंप्रूवमेंट इन लिथियम लिथीमॉइन बैटरीज ओवर द लास्ट डिकेड लॉन्ग चार्जिंग टाइम ठीक है अभी भी जो इसका चार्जिंग टाइम है वो कंपेरेटिवली जो है वो लॉन्ग है वीक एनर्जी डेंसिटी इज ए स्टिल बैरियर अगर इसको इसको आपको स्पेस क्राफ्ट वगैरह में यूज करना है बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यूज करना है आपको एनर्जी लैग ना महसूस हो ठीक है ऐसे अगर इसको करना है तो इसमें एनर्जी डेंसिटी को और बढ़ाना पड़ेगा इसके चार्जिंग पीरियड को जो है वो और रिड्यूस करना पड़ेगा ठीक है चार्जिंग पीरियड को और रिड्यूस करना पड़ेगा लिथियम ऑइन बैटरीज आर सीन एज सफिशियंट एफिशियंट फॉर एप्लीकेशन सचेज फोन लैपटॉप वगैरह में तो ये ज़्यादा बेहतर होती हैं पर अगर जब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करते हैं चूंकि इनके लिए ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी रिक्वायर्ड होती है तो लिथियम आयन बैटरीज उतना एनर्जी डेंसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है ये इनका एक लिमिटेशन है दे स्टिल द रेंज दैट वुड मेक दम वाइबल ऑल्टरनेटिव टू इंटरनेट कम्बशन इंटरनल कम्बशन इंजन जो इंटरनल कम्बशन इंजन होते हैं जो जिसमें आप पेट्रोल डीजल वगैरह यूज करते हैं इंटरनल कंबसन इंजन होते हैं तो उनके कंपेरिजन में जो है ये अभी भी पावर लैग होती है पावर जो है इसमें कम होता है नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव आर बींग बींग फॉस्टर्ड जो और भी लिथियम ऑन बैटरी के ऑल्टरनेटिव हैं जैसे अभी हम देखेंगे लिथियम सल्फर बैटरीज हैं ठीक है और दूसरे बैटरीज के प्रकार देखेंगे जिनको यहां पर यूज किया जा सकता है उसके भी कुछ ऑप्शन जो है वो ढूंढे जा रहे हैं ठीक है एक कंपैरिजन यहां पर दिया हुआ है इस पिक्चर के माध्यम से ये जो पीपीटी है वो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी फ्री कोर्सेज में आप जाएंगे फ्री कोर्सेज में नीचे की ओर जाएंगे तो यूपीएससी संकल्प बैच का आपको लोगो मिलेगा वहां पर आप एंटर होंगे तो करंट अफेयर वाले में ये आपको वहां पर मिल जाएंगे ठीक है पीपीटीज आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे तो अगर इसको हम कंपैरिजन करके देखें ठीक है तो लेड एसिड बैटरीज वगैरह जो होती हैं लिथियम लिथेमोनॉइन बैटरीज जो होती है लेड एसिड बैटरी अगर उतनी ही पावर चाहिए तो आपको लार्ज वॉल्यूम बनाना पड़ेगा इनका स्मॉलर वॉल्यूम में ये काम हो जाता है ठीक है तो यहां पर एक कंपेरिजन मैंने करके दिखाया है ठीक है दोनों का दोनों बैटरीज में कंपेरिजन अगर हम देखें तो एनर्जी वॉल्यूम में ये ज्यादा हाई होती हैं ठीक है एनर्जी स्टोरेज में ये वाली बैटरीज हाई होती हैं एनर्जी वॉल्यूम में जो लिथियम लिथेमोन बैटरीज हैं ये ज्यादा हाई होती हैं ठीक है पर लिथियम आयन बैटरीज का एक प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि लिथियम आयन बैटरीज जो है वो रिसाइकलेबल नहीं है तो इनको अच्छे से रिसाइकल नहीं किया जा सकता है जब रिसाइकल नहीं किया जाता है तो इन बैटरीज को जो है वो क्या किया जाता है वेस्ट डिस्पोज किया जाता है या तो लैंड फिल में डाल दिया जाता है जमीन में दबा दिया जाता है तो इसमें जो कोबाल्ट वगैरह जैसे एलिमेंट होते हैं लिथियम खुद में एक पॉलिटेंट का काम करता है तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर के वो ये है कि इनका ठीक से रिसाइकलेबल ना होना ठीक है अब हम लिथियम को रिसाइकल करके दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं तो री रिसाइकलिंग इनका अभी पॉसिबल नहीं है जिसकी वजह से आपको हमेशा जो है लिथियम वो क्या करना पड़ेगा इंपोर्ट ही करना पड़ता है हालांकि जो लिथियम का लाइफ है वो लेड एसिड बैटरीज से काफ़ी ज़्यादा होता है लिथियम सेल बैटरीज का जो लाइफ है लगभग दस साल का होता है ठीक है दस साल का होता है जो साइज में बड़ी वाली कॉम्पैक्ट वाली होती हैं उनका दस साल का होता है अम्यूमन इनका लाइफ रिचार्जेबल होती हैं लाइफ इनकी बड़ी होती है इसकी वजह से इनको रिसाइकल करने में करने के लिए लंबा समय हमें मिल जाता है पर अभी तक ये रिसाइकलेबल नहीं है ये इनका सबसे नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि पॉल्यूशन क्रिएट करती है यूरोपियन कमीशन के अकॉर्डिंग जो जो बैटरीज बैटरीज होनी 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 चाहिए चाहिए वो वो कैसी कैसी यूरोपियन कमीशन ने बताया है कि जो है कि चाहिए लो टॉक्सिक मटेरियल की होनी चाहिए ठीक है बैटरीज जो है वो लो टॉक्सिक मटेरियल की होनी चाहिए अब जो लिथियम है वो लेड से कम टॉक्सिक मटेरियल है इसलिए इसको लेड के ऊपर ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है लो टॉक्सिक मटेरियल की होनी चाहिए ठीक है इसका जो सप्लाई चेन है मतलब इस इन बैटरीज का जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं होने चाहिए जियोपॉलिटिकल मतलब दो कंट्रीज के बीच में टसल चल रहा है इस तरीके के जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं होने चाहिए इनका यूज जो है वो बहुत एफिशिएंट होना चाहिए लॉन्ग लाइफ स्पैन होना चाहिए इन बैटरी का एनर्जी डेंसिटी जो है वो इन बैटरीज की ज्यादा होनी चाहिए हायर एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए ठीक है थैंक यू हायर एनर्जी डेंसिटी हायर एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए यूज क्लीनर एनर्जी मतलब इनको चार्ज करने के लिए जो क्लीन एनर्जी है उसका यूज होना चाहिए इनको चार्ज करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कोयला जला करके जो एनर्जी बना रहे हैं उसको चार्ज कर उससे इनको चार्ज कर रहे हैं ठीक है इनेबल इनेबल एक्सीलेंट राउंड ट्रिप एफिशिय मतलब एक बार चार्ज हो डिस्चार्ज हो फिर उतना ही एनर्जी डेंसिटी के साथ में चार्ज होनी चाहिए तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इस बार आपको लिथियम ऑयन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस बार बन गया है ठीक है इस वजह से इस टॉपिक को मैंने यहां पर उठाया है ये स्टैंडर्ड आप जरूर याद कर लीजिएगा इस पर आपका मेन्स का क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार से लिथियम ऑयन बैटरीज या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो वर्ल्ड वाइड प्रिवेल होने चाहिए ठीक है तो इसमें आपको बस यही आठ सात आठ की पॉइंट आपको याद रखने हैं ठीक है किसी भी इन इन की पॉइंट्स को लिख लीजिएगा चाहे एक जगह पर इन की पॉइंट्स को लिख लीजिएगा बैटरी कैसी होनी चाहिए ठीक है एक बैटरी कैसी होनी चाहिए इजी टू रिसाइकल रिचार्ज री होनी चाहिए ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें बैटरी मुख्य कंपोनेंट है तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक आइडियल बैटरी जो है वो कैसी होनी है? चाहिए तो यूरोपियन कमीशन ने इसके बारे में पूरा एक फ्लो चार्ट यहां पर दिया हुआ है ठीक है इजिली रिसाइकेबल होनी चाहिए लो टॉक्सिक होनी चाहिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का हो इतना मतलब उसमें कोई कंबशन क्षमता नहीं हो कि ब्लास्ट ही हो जाए ठीक है यूज रिसोर्सेज एफिशियंटली उसमें जो रिसोर्सेज है उनका काफी एफिशियंट यूज हुआ हो लॉन्ग लाइफ स्पैन होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी जो है वो उसकी हाई होनी चाहिए ये जो सात आठ पैरामीटर्स जो है वो सस्टेनेबल बैटरीज के लिए बहुत जरूरी है ठीक है अब अगर देखिए तो सभी जगहों पर सस्टेनेबिलिटी पर काफी फोकस किया जा रहा है तो स्पेसिफिकली जो बैटरी सेक्टर है उसमें भी सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है अगर आप ये पांच छह पॉइंट याद रखे हैं तो बैटरी सेक्टर में जो उनके सप्लाई चेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं उसको आप आसानी से लिख सकते हैं यहां पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक यहां पर हम लेते हैं लिथियम आयन बैटरी से आगे निकलते हैं अभी लिथियम आयन पर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आज हमारा जो मेन फोकस है वो लिथियम बैटरीज पर है इस पर अभी हम एक मेन्स का क्वेश्चन जो है आंसर राइटिंग मैंने ऑलरेडी आंसर राइटिंग करके रखा है आपको बताऊंगा कि कैसे फ्रेमिंग वगैरह होता है कैसे आप इसको प्लेस करते हैं ठीक है तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू रिलेटेड टू फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन ठीक है ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन बात करेंगे हम फ्लू गैस डी की आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जो लोग भी ऑनलाइन है बताइए आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कीजिए दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाइए कोई भी डाउट हो क्वेरी हो मुझे बताइए अरविंद बघेल ठीक है सुजीत साहू अच्छा एनालिसिस लग रहा so है आपको थैंक यू सो मच सीखिए इसी तरीके से एनालिसिस करना है देखिए यूपीएससी के लिए आपको आ, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लेंगे आप सब कुछ तैयार कर लेंगे ठीक है पर आप एक बार किसी भी टॉपिक का एनालिसिस करना सीख जाएंगे उसके सारे एस्पेक्ट को देखना सीख जाएंगे आपके अंदर वो इंसाइट वो वो होराइजन डेवलप हो जाएगा एक बार तो आप किसी भी टॉपिक को उठाएंगे और बड़े आसानी से उसका एनालिसिस करते चले जाएंगे विनीता त्रिपाठी समझ में आ रहा था चलिए गुड वेरी गुड तो किसी भी टॉपिक का जो एनालिसिस है उसके उसके सारे एस्पेक्ट को देखना पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल आर्ट आर्किटेक्चरल जो भी एस्पेक्ट आप उसके निकाल सकते हैं ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड ठीक है एथिक्स मॉरलिटी वैल्यूज से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट आप निकाल सकते हैं उसके जितने मैक्सिमम एस्पेक्ट निकाल सकते हैं एक बार जब आपको सोचना वो इन डेवलप हो गया ठीक है वो सोचने की एबिलिटी डेवलप हो गई तो आप हर एक टॉपिक में वो चीजें अपने आप ढूंढना सीख जाएंगे ठीक है बाकी ये सब पढ़ी हुई चीजें तो आपको बाद में सर्विस के दौरान तो वैसे भी सब कुछ डेटा याद नहीं होता है भूल जाता है पर आपका जो ब्रेन एक एक डिफरेंट टाइप का जो फंक्शनिंग सीख जाता है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो बहुत जरूरी होता है देखिए आपका ओवरऑल ये जो पूरा जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है प्रिपरेशन भी अपने आप में एक ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग है आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करने का मैंने एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पर बहुत पहले इसमें लेक्चर लिया है बहुत इनिशियल लेक्चर में है स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज बाय एग्जामपुर के चैनल पर है ठीक है दोनों चैनल हिंदी वाले चैनल पर भी है वहां पर आप उसको देख सकते हैं तो बहुत सारी ऑफिसर लाइक स्किल्स जो है वो रिक्वायरमेंट होती है ठीक है वो स्किल्स ही आपकी प्रिपरेशन के दौरान डेवलप होती है वो इनसाइट आपका डेवलप होता है वो पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है ठीक है सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है उस पढ़ाई के साथ में आपको अपने अंदर वो सोचने समझने की क्षमता विकसित करनी होती है चलिए हम देखते हैं फ्लू गैस क्या होता है ठीक है ये टेक्नोलॉजी जो है वो चर्चा में क्यों रही है अभी इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे तो हुआ क्या है कि आर के लिए देखिए उसके लिए तो आप कॉमन करंट अफेयर्स जो है वो पढ़िए ठीक है कॉमन करेंट अफेयर्स जो वन लाइनर वाला करेंट अफेयर होता है वहाँ पर वैसे ही करेंट अफेयर आता है ये तो यू के लिए खासकर स्पेसिफिकली मैं पढ़ा रहा हूँ यू के लिए ये वाला करंट अफेयर है आर के लिए तो आप वन लाइनर वाला करंट अफेयर किसी भी बुक वगैरह से या यहाँ पर क्लास चलती हैं अभी विवेक सर की जो है ट्वेल्व आर रिविजन की क्लास है तो उसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं ठीक है चलो बात करते हैं कि क्यों चर्चा में है ठीक है फ्लू गैस डी सेल्फराइजेशन चर्चा में क्या है क्यों है क्यों क्या होती है फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन का प्रोसेस क्या है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रपोज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रपोज किया है कि जो अभी तक जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन का टाइम पीरियड है उसको रिवाइज किया जाए जैसे

कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकले बाहर निकलेगा पॉल्यूटेंट के तौर पर और सल्फर जो है वो एक बड़ा पॉल्यूटेंट है क्योंकि सल्फर जो है एसिड रेनफॉल कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड बना के तो सल्फर को उस एमिशन से अलग करने का जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन तो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन को गवर्नमेंट ने कहा था कि 2017 तक जो है हम इसको सब जगह पर इंप्लीमेंट करेंगे पर ये डेडलाइन जो है वो पूरी नहीं हुई इस डेडलाइन को बढ़ा करके 2022 कर दिया गया ठीक है और 2022 में भी अब ये कहा गया है कि जो सिमिलर स्टैंडर्ड है सल्फराइजेशन का डी सल्फराइजेशन का जो सिमिलर स्टैंडर्ड है वो सब पर एक जैसा नहीं लगाया जाना चाहिए ठीक है सभी को एक जैसा स्टैंडर्ड नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो डेडलाइन है ठीक है ये चेंज करके कितना कर दिया गया है अब ये जो डीसल्फराइजेशन 100 परसेंट डिसल्फराइजेशन जो सभी प्लांट्स में होना चाहिए जो थर्मल पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ये टारगेट दिया गया है दो तक तो ये जो नई डेट वगैरह निकली है इसी वजह से ये चर्चा में है तो ये जो टारगेट है इसमें ये कहा है कि ये नई डेट तो हमने निकाली है पर क्या होगा कि सभी जगहों पर जैसे मान लीजिए जो सिटीज के पास में थर्मल पावर प्लांट है जैसे एन का थर्मल प्लांट दिल्ली में बदलपुर में है तो वो शहर के पास में है ऐसे थर्मल पावर प्लांट में तो 100 परसेंट डिसल्फराइजेशन दो तक हो ही जाना चाहिए अदरवाइज उनको शटडाउन किया जाएगा पर जो रिमोट एरियाज में है ठीक है जहां आसपास बस्ती नहीं है तो वहां पर जरूरी नहीं है कि 100% परसेंट डिसल्फराइजेशन किया जाए वहां पर आप परसेंटेज को लीनियंट भी रख सकते हैं 2022 उनके लिए डेडलाइन एकदम हार्ड एंड फास्ट डेडलाइन नहीं है ठीक है तो इस वजह से जो डिसल्फराइजेशन है ये चर्चा में बना हुआ है ठीक है अब ये होता क्या है इसको थोड़ा सा देख रहे हैं देख लें तो रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है फ्लू गैस डी क्या है रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कहां से सल्फर डाइऑक्साइड एज फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का रिमूवल करते हैं कहां से रिमूवल करते हैं इट सीक्स टू रिमूव गैसियस पॉलिटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्लू गैसेज जनरेटेड इन द फरनास बॉइलर एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस जहां जहां पर भी हम कोयला जलाते हैं फरनास मतलब भट्टियों में कोयला वगैरह जलाते हैं वहां पर फ्लू गैसेस निकलती है ठीक है जिनको जिनको हम क्या बोलते हैं स्नोक्स गैसेस बोलते हैं आपको ये टर्म याद रखिएगा ठीक है क्या बोलते हैं स्नोक्स गैसेज स्नोक्स गैसेस गैसे में सल्फर नाइट्रोजन इनके सब ऑक्साइड वगैरह होते हैं स्नोक्स गैसेज जो होती है तो स्नोक्स गैसेज और ऑल मिलाकर के उनको फ्लू गैस वगैरह बोलते हैं फ्लू गैस इसमें बहुत सारी गैसेस जो है फ्लू गैसेस में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है तो आपको स्टेटमेंट आए फ्लू गैस इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस स्टेटमेंट सही है ठीक है फ्लू गैस में बहुत सारी स्नॉक्स गैसेज वगैरह मिक्स होती है जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी इसमें सल्फर होगी अब कार्बन डाइऑक्साइड तो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा मान लीजिए उसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म में होगा पर सल्फर का हेल्थ इफेक्ट जो है वो बहुत जल्दी होते हैं ह्यूमन बींग पे ठीक है तो मेनली जो फ्लू गैसेस में डिसल्फराइजेशन मतलब सिर्फ सल्फर को ही अलग किए जाने का डेडलाइन 2022 तक दिया गया है आप इसको बिल्कुल रिमूवल कर दीजिए ताकि एक एम्बियंट एयर क्वालिटी देश के सिटीजन को मिले अब ये क्या है हमारा फंडामेंटल राइट में भी है कि हमको जीने का अधिकार है और किस तरीके के एनवायरमेंट जीने का अधिकार है एक डिग्निफाइड साफ सुथरे एनवायरमेंट में जीने का अधिकार है सम्मान जीवन जीने का आपको अधिकार मिलना चाहिए है ना जीने का अधिकार तो है पर सांस लेने के लिए अगर साफ सुथरी हवा नहीं है और ऐसी हवा में आप सांस लेते मर जाएंगे तो काहे का जीने का अधिकार बात समझ रहे हैं? तो जीने का अधिकार जो है वो एक साफ सुथरे चाहिए जहां पर एक एम्बियंट एयर क्वालिटी साफ सुथरा पानी पीने के लिए साफ सुथरा भोजन करने के लिए ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए तो एक तरीके से ये आपके फंडामेंटल राइट right को भी सिक्योर करने से रिलेटेड है ये इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है आप अगर देखना चाहें तो ये आपको इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट दिखाई पड़ेगा तो जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन है वो तमाम जितने भी फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं भट्टियों में ब्रॉयलर्स वगैरह में वहां से निकलने वाली जो गैसेस हैं वो फ्लू गैसेस हैं ये कई सारे गैसेस का मिक्सचर है और डीसल्फराइजेशन क्या है फ्लू गैसेस में से सल्फर को अलग करें दिस इज कॉल्ड डीसल्फराइजेशन ज़्यादातर ये जो है कहां से निकलते हैं थर्मल पावर प्लांट से थर्मल प्रोसेसिंग वगैरह से थर्मल ट्रीटमेंट से थर्मल कंबशन से वहीं से ये ज़्यादा निकलते हैं ठीक है याद रखिएगा नाउ कॉमन मैथड क्या है इनके यूज का किस तरीके से करते हैं तो यहां पर थोड़ा टेक्निकल चीजें लिखी हुई हैं ठीक है थीके? जो मेथड लिखा हुआ है वो टेक्निकल लिखा हुआ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टेक्निकल जाने का जरूरत नहीं फिर भी जो है ना मैंने एक टेक्निकल नोट्स यहां पर तैयार की है जो लोग साइंस वाले हैं उनको तो समझ में आएगा ही जो आर्ट्स वाले हैं आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको भी मैं इसको थोड़ा सा समझा दू ठीक है सो वेट स्क्रबिंग जो है स्क्रबिंग मेथड होता है वेट स्क्रबिंग मेथड अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आग लग जाए और आपको वहां से निकलना हो आग से घर के अंदर धुआं धुआं है तो क्या करते हैं कपड़े को गीला करते हैं ठीक है कपड़े को गीला करके कपड़े को बांध लीजिए गीला कपड़ा बांधने के से जितना भी पॉल्यूटेंट फ्यूम्स होगा ठीक है पॉलिटेंट फ्यूम्स वगैरह जो होगा एरोसॉल वगैरह जो होगा वो उस गीले हुए गीले कपड़े में क्या होगा चिपक जाएगा एडहेसिव हो जाएगा ठीक है तो वेट स्क्रबिंग मेथड में भी यही करते हैं कि एक एल्कलाइन एल्कलाइन सॉर्बेंट सॉर्बेंट कवर जो है वो तैयार करते हैं ठीक है थीक? वो कवर गीला रहता है जिसमें मेनली जो है लाइमस्टोन लाइमस्टोन और सी वाटर वगैरह से उसको क्या करते हैं गीला रखते हैं लाइमस्टोन में कैल्शियम होता है और कैल्शियम बहुत जल्दी से इनको एब्जॉर्व कर लेता है सी वाटर में भी कैल्शियम होता है सी वाटर में भी कैल्शियम होता है और इस वजह से सी वाटर जो है वो उसको बहुत तेजी से एब्जॉर्व करता है इसको कहते हैं वेट स्क्रबिंग मैथड तो वेट स्क्रबिंग मैथड जो है उसमें एक फ़िल्टर के माध्यम से जो फिल्टर में लाइम का लेयर रहेगा सी वाटर से उसको क्या किया जाता है गीला किया जाता है या सी वाटर का यूज़ वहां पर किया जाता है ठीक है तो इसको कहते हैं वेट स्क्रबिंग मेथड स्प्रे ड्राई मेथड ठीक है स्प्रे स्प्रे ड्राई स्क्रबिंग जो है वहां पर ड्राई सरफेस से तेज जैसे एक डेंस छन्नी बनाई जाती है ठीक है तेज फोर्स एयर से जो है इसको फ्लूगैसेस को छोड़ा जाता है ठीक है और छन्नी क्या डेंस होती चली जाती है डेंस होती चली जाती है तो पार्ट वाइज जो एरोसोल है उस छन्नी में फंसते चले जाते हैं दिस ड्राई स्प्रे मेथड ठीक है स्नॉक्स फ्लू गैसेस जो है स्नॉक्स स्नोक्स का मतलब समझ लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो स्नॉक्स गैसेस हैं इनको बर्न करके भी निकाला जा सकता है ठीक है तो इस तरीके के कुछ मैथड जो है वो यहां पर प्रयोग होते हैं इसका मैंने एक पिक्चर भी यहां पर डाला हुआ है ठीक है ये एब्जॉर्बर्स यहां पर लगे होते हैं इससे गुजरने के बाद गैस जो है वो निकल जाती है और जो वाटर है वो एक जगह पर स्टोरेज हो जाता है जिस वाटर से होकर के ये सी वाटर से होकर के निकल रही है ठीक है तो इस टेक्निकालिटी में आपको जानने की जरूरत नहीं पर इतना आपको जानने की जरूरत है कि इसको लाइम स्टोन के माध्यम से लाइम स्टोन या लाइम के माध्यम से सल्फर डिसल्फराइजेशन किया जाता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है क्या लाइम स्टोन या सी वाटर सी वॉटर से इस डीसल्फराइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह वनडे वगैरह या जो दूसरे पीसीएस वगैरह इनको भी इसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीसल्फराइजेशन किसके माध्यम से किया जाता है तो डीसल्फराइजेशन जान रहिएगा लाइम स्टोन और सी वॉटर के माध्यम से किया जा सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट क्या है

स्मेल होती है वैसे ही स्मेल इसकी होती है ठीक है एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है और ये नेचुरल तरीके से भी और एंथ्रोपोजेनिक तरीके से भी निकलती है सल्फर जो है अगर आप सल्फर का बायोजियो केमिकल साइकिल एनवायरमेंट में पढ़ें तो सल्फर ज़्यादातर जो है वो किस तरीके का है सेडिमेंट्री डिपोजिशन होता है ठीक है तो कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में निकलता है लैंड स्लाइड वगैरह हुआ वहां से सल्फर बहुत निकलता है और माइनिंग के माध्यम से सल्फर बहुत निकलता है इसके अलावा जो हॉट वाटर गीजर्स होते हैं जहां पर गर्म पानी जो है वो धरती से बाहर निकलता है तो हिमालयी क्षेत्रों में बहुत ऐसी जगह हैं जैसे ताता पानी है मनाली के पास में मणिकरण है वहां पर हॉट वाटर गीज़र जो है वो नीचे से निकलता है ठीक है तो ये जो हॉट वाटर गीज़र है इसमें भी बड़ी मात्रा में सल्फर निकलता है तो ज्वालामुखी और माइनिंग वगैरह इन सब कारणों से एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल रीजन से भी जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो निकलता है सल्फर के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज भी हैं और सल्फर हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिएंट वगैरह का भी काम करता है ठीक है न्यूट्रिएंट का भी काम करता है इट हैज सिग्निफिकेंट हेल्थ इन्वायरमेंटल इफेक्ट इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन मेन इफेक्ट क्या है इन्वायरमेंट में इसका एसिड रेन स्मॉग क्रिएट करना जो दिल्ली वगैरह में शहरों वगैरह में स्मॉग ठंड के समय में स्मॉग क्रिएट हो जाती है पॉलिटेंट की एक पूरी लेयर बन जाती है स्मॉग मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो उसमें डिटेल में जिन नहीं जाएंगे फॉग प्लस स्मोक वगैरह सल्फर का स्मोक जो है यहां पर मिल जाता है और बाद में वो एसिड रेनफॉल करता है तो ग्लोबल वार्मिंग में भी ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका रोल है ग्लोबल वार्मिंग में सल्फर का रोल कहाँ पर है एस एफ सिक्स के रूप में सल्फर हेक्सा फ्लोराइड के रूप में के रूप में ग्लोबल वार्मिंग में इसका रोल होता है तो बहुत बड़ा रोल सल्फर का होता नहीं है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड को याद रखिए अकेले सल्फर को नहीं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड को एस एफ सिक्स प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया ठीक है तो ये सल्फर से इफेक्ट जो है एसिड रेनफॉल वगैरह यहाँ पर है यहाँ पर मैंने लिखा है क्या होता है एसिड रेनफॉल फिर सल्फर uh, डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बना करके एसिड रेनफॉल करती है और उसके तमाम इफेक्ट जो है यहाँ पर सल्फर के पड़ते हैं ह्यूमन हेल्थ पर इसके इफेक्ट देखें अगर ह्यूमन हेल्थ पर अगर इफेक्ट uh, देखें तो सल्फर जो है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है अगर ह्यूमन इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इसका ज्यादा मात्रा में इनहेलिंग करता है तो काफ़ी डायरेक्ट इफ़ेक्ट होते हैं जैसे आपके एल्बियोलीज एल्बियोलीज क्या होते हैं जो आप सांस लेते हैं तो सांस लेने में लंग्स में एयर जाती है लंग्स के बाद एल्बीओलिस के माध्यम से वो आपके ब्लड में जाती है तो एल्बियलिस जो होती हैं वो छोटी छोटी झिल्लियां होती हैं वो एलबियॉलीस जो है इससे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ठीक है थीके? तो इससे आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस पल्मोनरी डिजीजेस जो है वो जनरेट होती है काफ़ी दमघोटू होता है सल्फर अक्सर जो है बायोमास की बर्निंग वगैरह में भी निकलता है इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं जो लकड़ी उपले जला करके खाना वगैरह बनाती हैं उनको सल्फर का इनहेलिंग की वजह से तमाम लंग्स से रिलेटेड डिजीज हो जाते हैं ठीक है सो क्रॉनिक एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लीड टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी इलनेस जैसे एस्थमा हो जाएगा ब्रोंकाइटिस हो जाएगा और तमाम हार्ट डिजीज जो है वो जनरेट होती हैं ठीक है और चिल्ड्रंस में जो लंग्स अगर बच्चों में जाता है तो लंग्स को ठीक से डेवलप होने नहीं देता है सल्फर के ये सारे नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं सल्फर का एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है जो हॉट वाटर गीजर में आप सल्फर में सल्फर वाला जो पानी होता है उसमें कुछ समय तक नहाने से क्या होता है आपका जो मेलानिन मेलानिन मतलब स्किन कलर जो है वो मेलानिन से डिसाइड होता है तो मेलानिन का जो लेवल है अगर वो कहीं बैलेंस है कहीं ब्लॉकेज है तो वो खुलता है ठीक है तो स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है जो सल्फर वाला वाटर होता है जो हॉट वाटर गीजर से निकलता है ऐसा सल्फर वाटर स्किन के लिए जो है वो बेहतर माना जाता है ठीक है तो ये याद रखिएगा कि सल्फर के अपने नुकसान भी हैं कुछ फायदे भी हैं ठीक है चलिए तो ये था हमारा डिसल्फराइजेशन ठीक है डी सेल्फराइजेशन फ्लू गैस डी सेल्फराइजेशन अब बात करते हैं पेंगोलिन के बारे में ये बेचारा छोटा सा जानवर जो है ये चर्चा में आया है ठीक है वैसे ये बहुत खतरे में है इसका चाइना वगैरह में तमाम मेडिसिनल पर्पज वगैरह के लिए पेंगोल का यूज किया जाता है ठीक है तो उड़ीसा फॉल्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह में के माध्यम से जो पेंगोलिन का पोचिंग होता है ठीक है पेंगोलिन पोचिंग पोचिंग मतलब जो चोरी से इनका व्यापार वगैरह इनको मार करके बेचा जाता है इसको पोचिंग कहते हैं ठीक है तो पेंगोलिन अगर आप देखें तो ये एंट ईटर फैमिलीज में से सबसे पुराने जीवों में है और स्कैल्प वाला ये जो स्कैल्प इसके ऊपर आपको दिख रही है ना ये इसका डिफेंसिव मैकेनिज्म है जब को, कोई जानवर इस पर अटैक करता है तो ये ऐसे गोल हो जाता है और स्कैल्प से ये बच कछुआ जो है अपनी शेल में चला जाता है वैसे ये भी अपने स्कैल्प के पीछे छिप जाता है ठीक है तो ये इसका स्कैल्प जो डेवलप हुआ है ये मिलियंस ऑफ द ईयर के एवोल्यूशन का रिजल्ट है सर्वाइवल का रिजल्ट है ये ठीक है अडेप्टशन का रिजल्ट है अब बेचारे इसी स्केल्प के लिए इसको मारा भी जाता है इसके मीट के लिए इन सब चीजों के लिए इसको मारा भी जाता है तो ये पेंगोलिन जो है वो काफी खतरे में है इंडिया में ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में कैटेगराइज है ठीक है चाइना में तो एक्सट्रीमली इंडेंजर्ड है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज स्ट्रेस्ड द नीड टू स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू चेक पेंगोलिन ठीक है तो उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस तरीके का काम करना सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से स्टार्ट किया अब अगर इसके हैबिटेट से क्वेश्चन आए कि पेंगोलिन कहाँ पाए जाते हैं ठीक है इस तरीके की जो स्पेशज होती हैं जो बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं वो अगर न्यूज में आती हैं तो उनसे क्वेश्चन आने की संभावना जरूर रहती है ठीक है तो आपसे पूछ ही लिया मान लीजिए कि पेंगोलिंस स्टेटमेंट दे दिया कि पेंगोलिंस जो है वो केवल अफ्रीका में पाई जाती है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि जो है वो अमेरिका अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं तो इस तरीके स्टेटमेंट दे दिया तो आपको ढूंढना है कि भाई सही स्टेटमेंट क्या है गलत स्टेटमेंट क्या है तो आप यहां से जान लीजिए पेंगोलिंस जो है वो अफ्रीका सदर्न और साउथ ईस्ट एशियन रीजन में पाई जाती है ठीक है ये ठंडे जगहों पर नहीं पाई जाती है पहली चीज याद रखिएगा ये ठंडे जगहों पर नहीं पाई जाती है पेंगोलिंस तो ये बचने के लिए ऐसे गोल गोल हो जाती है यहां पर आप देखें ऐसे सर्कुलेट हो जाती है ठीक है तो पेंगोलिंस जो है वो कहां कहां पाई जाती है अफ्रीका में पाई जाएंगी ठीक है अफ्रीका में पाई जाएंगी जहां पर अच्छी वनस्पति है ठीक है टर्माइट्स हैं कीड़े हैं वहां पर ये पाई जाते हैं चीटी वगैरह खाने में एंटीटर हैं मेनली एंटर हैं ये ठीक है टर्माइट ईटर है तो पेंगोलिन की तमाम प्रजातियां हैं जैसे वाइल्ड बिल्ड पेंगोलिन है ये ठीक है जाइंट पेंगोलिन है ब्लैक बिल्ड बेलिड पेंगोलिन है ग्राउंड पेंगोलिन है फिर ये इधर इंडियन पेंगोलिन है ठीक है ये वाली जो है वो सुंडा पेंगोलिन है सुंडा वाला ये जो इंडोनेशिया का सुंडा रीजन है यहां पर पाए जाने में सुंडा पेंगोलिन है फिलिपिनियन पेंगोलिन है चाइनीज पेंगोलिन है तो भारत में दो प्रजातियां पाई जाती हैं एक को इंडियन पेंगोलिन कहते हैं और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं ठीक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है आ, यहाँ पर सिक्किम में अरुणाचल में जो आ, पेंगुलेंस पाई जाती हैं वो चाइनीज पेंगुलिन्स हैं तो भारत में पेंगुलंस की दो प्रजातियां पाई जाती हैं ठीक है थीके? यहाँ पर आप पेंगुलेंस का खूबसूरत साफ सुथरा फोटो देख सकते हैं ठीक है अच्छा लगता है ना ये सब फोटो वगैरह देखने में फोटो से पढ़ाई करें तो एक विजिबल इफेक्ट बनता है अब पेंगोलिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको याद आ जाएगा मैंने क्लास में पढ़ा था और आप दिमाग भिड़ाएंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा उसका ठीक है तो ये सारे पेंगुलिन के पेंगुलंस सारे पेंगुलिन का फोटो जितनी भी प्रजातियां पेंगुलिन की हैं उनका फोटो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है ठीक है भारत में जो पेंगोलिन है वो चाइनीज पेंगोलिन भारत में मिलती है और इंडियन पेंगोलिन जैसे ये वाली इंडियन पेंगोलिन है ठीक है इंडियन पेंगोलिन और ये वाली चाइनीज पेंगोलिन है तो ये दोनों पेंगोलिन जो है वो भारत में पाई जाती हैं ये दोनों भारत में है ठीक है ये दोनों भारत में मिलती हैं इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन ठीक है चलिए इनके बारे में थोड़ी सी चीजें देखते हैं और इससे रिलेटेड एरियाज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं ठीक है, है? क्यों इनका पोचिंग वगैरह होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो पेंगोलिन इज द ओनली स्कैली मैनल मैमल ठीक है याद रखिएगा ये दिस इज द ओनली स्केली मैमल मैमल्स में दिस इज द ओनली स्केली जिसके पूरे बॉडी पर जो है ना स्केल्स होते हैं ठीक है अभी आपने देखा तो इसकी पूरी बॉडी पर स्केल्स होते हैं तो मैमल्स अब ये स्टेटमेंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर स्टेटमेंट पूछते हैं पेंगोलिन आर पेंगोलिन इज ओनली पेंगोलिन इज द ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लानट ठीक है None में अभी तक जिनको हम जानते हैं तो यस ठीक है मोनिका हाँ बेटा जो है हमेशा पिक्चर्स के माध्यम से ज्यादा क्लैरिटी मिलती है और उसका क्या होता है आ, हमारी जो मेमोरी होती है फोटोजेनिक होती है फोटोजेनिक आ, से क्या होता है जो फोटोज हैं वो हमारे ब्रेन में छप जाती है अपने बचपन में जो कार्टून वगैरह देखे होंगे वो आ, आज भी आपको जो है ना फोटोजेनिक लगते होंगे उनका फोटोज आपको ब्रेन में याद होगा है ना पर बचपन में जो लाइनें पढ़ी होंगी या कहीं देखेंगे वो शायद ना याद हो तो अक्सर जो फोटोज हैं वो हमें ज्यादा फोटोजेनिक मेमोरी प्रोवाइड करती हैं। तो रिकॉल में जो है वो बहुत मदद मिलती है ठीक है रिकॉल में आपको बहुत मदद मिलती है तो याद रखिएगा ये चीज चलिए तो पेंगोलिन पैंग, जो है दीज आर द ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसको याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू द साइट साइट्स क्या है ये भी हम समझते हैं अभी साइट्स क्या है अकॉर्डिंग टू द साइट्स जो है ना दीज आर मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टिबेट्स विद इन इट्स अपने क्लास 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 में अपने मेमेलिया क्लास में अपने ये सबसे ज़्यादा इलीगली ट्रेडेड जो है वो प्रजाति है ओनली स्केली मैमल ऑन द ये केवल मतलब जो होते हैं है, पपड़ियां जो होती हैं इनके ऊपर ठीक है और ये सबसे ज्यादा जो है इलीगली ट्रेड किया जाने वाला मैमल है ठीक है अच्छा आप भी एक टीचर हैं दैट्स वेरी नाइस दैट्स वेरी नाइस बींग अ टीचर गिव्स यू अ डिफरेंट फीलिंग राइट चलो ओके okay, तो इनकी आर्ट स्पीसीज हैं आर्ट स्पीसीज में इंडिया में दो पाई जाती हैं टू आर फाउंड जो मैं आपको फोटो दिखा चुका हूं चाइनीज पेंगुलिन और इंडियन पेंगुलिन दो पेंगुलिन पाई जाती हैं चाइनीज पेंगुलिन जो है वो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है बाकी जो इंडियन पेंगुलिन हैं वो थ्रू आउट द इंडियन जो भारतीय जंगल है खासकर जो कोस्टल रीजन के जंगल है वहां पर ये पाई जाती हैं। ड्रायर एरिया में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है टर्माइट इनका मेन फूड क्या होता है टर्माइट और एंड चीटी खाते हैं तो चाइनीज पेंगुलिन इंडेंजर्ड है जो चाइनीज भारत में दो हैं एक है इंडियन पेंगुलिन तो इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड है और चाइनीज पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती है ठीक है उसका पिछले दस साल में नाइन्टी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ है ठीक है तभी वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में होती है प्लस प्लस अगर हम देखें तो उसका फिफ्टी से नंबर पचास इसका जो नंबर है नंबर जो है वो बिलो फिफ्टी हो जाता है बिलो फिफ्टी जो है वो इनका नंबर होता है तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहलाते हैं इंडेंजर्ड में क्या है इंडेंजर्ड में इनका जो नंबर होगा वो ढाई सौ के आसपास होगा ठीक है तो इस तरीके से जो आई है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है उसने रेड लिस्ट में ये स्टैंडर्ड डिसाइड करके रखे हैं ठीक है ये स्टैंडर्ड डिसाइड करके रखे तो इंडियन पेंगुलिन जो है इट हैज बीन लिस्टेड एज इंडेंजर्ड और चाइनीज पेंगुलिन लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बहुत ज्यादा खतरे में है और ये शेड्यूल वन कैटेगरी में आता है शेड्यूल वन कैटेगरी जो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल वन में होने का क्या मतलब है कि सरकार का ये कर्तव्य है कि ऐसी इंडेंजर्ड स्पीसीज को काफी प्रोटेक्शन दी जाए इनको बचाया जाए ठीक है नाउ यहां पर एक टर्म आया साइड्स साइट्स का फुल फॉर्म क्या है और साइट्स क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं साइट्स क्या है साइट्स जो है वो बेसिकली क्या है इट इज अ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्स स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा और फोना ठीक है तो जो साइट्स है ये कंजर्वेशन का काम करती है किसके कंजर्वेशन का काम करती है ऐसे फ्लोरा और फोना मतलब जीव जंतु और पशु पक्षी जीव जंतु पौधे जितने भी ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड हैं इंडेंजर्ड हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह पर निगरानी रखने का काम साइट्स का होता है ठीक है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है 1863 में 1863 में इसकी पहली पहली बार इसको क्रिएट किए जाने का आइडिया आया था सॉरी में और 1975 में इसको इसको क्या किया गया गया कर दिया गया, मतलब इसको लागू कर दिया गया था तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट विद विद एम टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रिटेंड टू देयर सर्वाइवल तो ये क्या इंश्योर करता है कि जो स्पीसीज हैं प्लांट्स हैं उनका इंटरनेशनल ट्रेड इनके सर्वाइवल को ही पर प्रश्चिन्ह ना खड़ा कर दे तो इनका जो ट्रेड होना चाहिए वो बहुत जुडिशियस होना चाहिए इनका यूज जो है वो बहुत जुडिशियस होना चाहिए जो इंडेंजर्ड है उनका इलीगल ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों पर निगरानी रखता है अपेंडिक्स वन जो है वो किस पर ध्यान रखता है जो फ्रीटेंट स्पीसीज हैं जो एक्सटेंशन के करीब हैं खत्म होने के करीब हैं जैसे पेंगोलिन जो है

स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस ना हो ठीक है बहुत जरूरी हो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तभी इनको क्या हो इनका ट्रेड होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर और वो भी साइट्स की परमिशन लेने के बाद होगा ये अपेंडिक्स वन में है अपेंडिक्स टू में जो स्पीसीज जो स्पीसीज थ्रिटेंड होती हैं ठीक है पर इनका ट्रेड कंट्रोल्ड तरीके से किया जा सकता है क्योंकि इनका अमाउंट इनका जो संख्या है वो बहुत कम नहीं है की संख्या ठीक ठाक है और अपेंडिक्स थ्री में स्पीसीज दैट आर प्रोटेक्टेड एटलीस्ट वन कंट्री में हो वो प्रोटेक्टेड हो उनको अपेंडिक्स थ्री में तो इसका कम से कम आप अपेंडिक्स वन याद रखिएगा साइड्स जो है किस पर फोकस करता है जो थ्रीटेंड स्पीसीज हैं फ्लोरा और फोना की ठीक है पेड़ पौधे पशु पक्षियों की ऐसी जो स्पीसीज हैं जो खतरे में है उनके इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह पर निगरानी रखता ठीक है याद रखिएगा ये साइट्स का काम है तो साइट्स ने इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में अब IUCN की रेड लिस्ट लिस्ट में में देखें में देखें असेसमेंट ठीक है तो जो इंडियन पेंगोलिन है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है इंडियन पेंगोलिन जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और जो चाइनीज पेंगोलिन है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्रिटिकली मतलब बहुत ज्यादा खतरे में है ठीक है, जाइंट पेंगोलिन अफ्रीका में पाई जाती है यह वरेबल है मतलब इनकी जो जनसंख्या है वो दस हजार से कम है ठीक है इनकी संख्या दस हजार से कम है इनकी संख्या ढाई सौ और इनकी संख्या केवल पचास या उससे कम होगी ठीक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो भारत में ये दो पाई जाती हैं, इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड में है और चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में रखी गई है ठीक है तो ये चीज इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा आइए बात करते हैं पेंगोलिन का जो ट्रेड है वो किस वजह से होता है ठीक है पेंगोलिन का जो ट्रेड है वो एक तो इसके इस, इसका जो स्केल्स होती हैं वो 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 कैरेटिन की बनी होती हैं कैरेटिन की बनी होती हैं ठीक है थीके? चाइना में ये बिलीव किया जाता है जो कैरेटिन है ठीक है कैरेटिन जो है वो तमाम मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है एफरोक्ट होता है एफरोक्ट का मतलब जो सेक्चुअल uh, हेल्थ के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन हैं जो सब्सटेंस हैं जो सेक्चुअल हेल्थ के लिए यूज किए जाते हैं उनको एफ्रोडीसी बोलते हैं सो दिस इज अ एक्ट ठीक है ये एफरोडीसी नेचर का होता है तो इसकी वजह से चाइना में जो है इसका यूज बहुत किया जाता है इसकी स्किन का यूज किया जाता है ठीक है कैरटिन स्केल्स इनका यूज किया जाता है इसकी स्किन का बहुत यूज किया जाता है और इसकी मीट का बहुत यूज किया जाता है ठीक है इसका मीट वगैरह जो है वो भी यूज किया जाता है ठीक है तो ये जो मैमल है ये मेनली इंडेंजर्ड क्यों हुआ है इसका बहुत ज्यादा पोचिंग हुआ है जैसे अगर चाइना में देखें तो चाइना में लगभग हर साल चाइना और वियतनाम में एक लाख से ज्यादा इनको मारा गया है पिछले एक डिकेट में दस लाख से ज्यादा जो है पेंगुलेंस मारे जा चुके हैं अपने स्केल्स के लिए अपनी स्किन के लिए अपने मीट के लिए कैरोटिन कैरेटिन के इन सब चीज के लिए तो पेंगुलेंस जो हैं ये बेसिकली कहां पर रहते हैं ट्रीज वगैरह में रहते हैं बिल्कुल सीधे साधे जानवर हैं ये ठीक है ये लंबी सी जीब होती है उससे निकाल करके चीटियां जो है वो खाते हैं ठीक है तो एंट ईटर फैमिली का है ठीक है अनुज राठौर गुड इवनिंग तो एंट ईटर फैमिली का मेनली एंट और टर्माइल टर्माइट खाते हैं नॉकटर्नल होते हैं पेड़ों पर रहते हैं पेड़ों में जो होल्स है वहां पर बरोज वगैरह बना करके रहते हैं ठीक है और, और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इनकी जनसंख्या भी बहुत धीमे धीमे बढ़ती है इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है क्योंकि दी दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिप्रोडक्शन ठीक है तो यहाँ ये जो है रिप्रोडक्शन बहुत कम करते हैं जैसे अगर हम देखें तो ये जो होते हैं ये मेनली साल में एक बार मेटिंग करने के लिए निकलते हैं और उसके बाद जब एक बार बच्चा पैदा हो जाता है लगभग दो साल तक उस बच्चे को पैदा करने में उस बच्चे को बड़ा करने में लगाते हैं तब तक ये मेटिंग का काम नहीं करते इस वजह से इनकी जो जनसंख्या है पेंगोलिन की जनसंख्या जो है वो बहुत धीमे धीमे बढ़ती है बहुत तेजी से इनकी जनसंख्या कभी भी नहीं बढ़ती है तो एक चीज तो क्या हुआ इनको मारा बहुत ज्यादा गया इनमें जनसंख्या बढ़ाने का ज्यादा कोई जज्बा भी नहीं होता है ह्यूमन के जैसे कि बढ़ाए पड़े हैं ठीक है तो जनसंख्या बढ़ाने का इनमें कोई जज्बा भी नहीं होता है तो एक इनका जो ये जो नेचर है इसकी वजह से भी ये खत्म हो रहे हैं ठीक है अगर कुछ डेटा मैंने इससे रिलेटेड निकाला है जैसे एक लाख जो है एस्टीमेट है इसका जो हर साल ट्रैफिकिंग हुआ है चाइना और वियतनाम जैसी कंट्री में तो 10 साल में लगभग 10 लाख से ज्यादा इनका ट्रैफिक ट्रैफिकिंग हुआ है सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग किए जाने वाला मैमल है इसके अलावा इसका ये खत्म इस वजह से भी हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट ऑल द पॉसिबल कॉजेस ठीक है पेंगोलिन्स के खत्म होने के या पेंगोलिन के क्रिटिकली हैं तो यहां पर आप, आप, तो तो आप उसको आसानी से आंसर कर सकते हैं ठीक है डिफॉरेस्टेशन बहुत हुआ है।, है वो प्रजातियों के समाप्त होने का सबसे बड़े कारण में से एक बनता है वो यहां पर इनका काफी हैबिटेट लॉस हुआ है ठीक है तो अगर हम देखें हाँ इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देना चाहता हूं इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या कोरोना पीरियड में इस पर कुछ रिसर्च हुआ ठीक है पेंगोलिन पर कुछ रिसर्च हुआ और ये पाया गया कि जो कोरोना का स्पाइक प्रोटीन है ठीक है कोरोना का जो स्पाइक प्रोटीन है स्पाइक प्रोटीन क्या होते हैं कोरोना में इस तरीके के जो टेंटिकल्स होते हैं जिससे वो आपके लंग्स में चिपक जाता है ठीक है तो स्पाइक प्रोटीन जो है कोरोना वायरस का पेंगोल्स में पाया गया है और 90 परसेंट सिमिलर स्पाइक प्रोटीन पाया गया है जैसा कि कहा गया था कि कोरोना जो है वो बैट से आया शुरू में चाइना ने हाइपोसिथिसाइज किया ठीक है परिकल्पना दी कि भाई चाइना जो है चाइना में जो बैट खाने की परंपरा है चमगादड़ खाने की परंपरा है उसकी वजह से आया तो एक चीज और उसी में जोड़ जोड़ दी गई कि जो कोरोना का सार्स सीओ वायरस जो है इसका स्पाइक प्रोटीन और इसमें जो वायरस मिला है उसका स्पाइक प्रोटीन बिल्कुल सिमिलर है तो ऐसा भी हो सकता है एक रिसर्चर ने यह हाइपोथेसाइज किया वायरस मिले हैं जो नाइनटी जो है वो सिमिलर स्पाइक प्रोटीन वाले तो कोविड से रिलेटेड और पेंगोलिन कोविड और पेंगोलिन का कनेक्शन आपको थोड़ा समझ में आ रहा है यह भी कैरियर हो सकता है कोरोना वायरस तो का ठीक है सार्स कोरोना वायरस का कैरियर जो है यह भी हो सकता है ठीक है और बहुत सारी चूंकि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन वगैरह में इसको यूज किया जाता है तो वहां से भी वो वायरस वेक्टर इस ये वेक्टर बना होगा इसके माध्यम से वो ह्यूमन फूड चेन वगैरह में एंटर हुआ हो सकता है ठीक है ये हाइपोथेसिस जो है ना चाइना के ग्लोबल टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वहां पर पब्लिश भी हुई थी ठीक है तो पेंगोलिन से रिलेटेड ये एक इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा एक और हिस्टोरिकल डेटा मैं निकाल के लाया हूं पेंगोलिन से रिलेटेड यहां पर कि भारत में पेंगोलिन काफी संख्या में पहले पाए जाते थे तो यहां पर ये जो आपको अपहरण दिख रहा है ठीक है ये एक आर्मर है और ये गिफ्ट किया गया था जॉर्ज थ्री को 1820 में भारत से किसी ने, ने इनको गिफ्ट किया था उसका डेटा अवेलेबल नहीं है 1820 में जॉर्ज थ्री को ठीक है ब्रिटेन के किंग थे जॉर्ज थ्री ब्रिटिश किंग उनको जॉर्ज थ्री को ये आर्मर ये पेंगोलिन के स्कैल्प से पेंगोलिन की स्किन से बना हुआ आर्मर है ठीक है ये वाला तो ये आर्मर जो है ये जॉर्ज थ्री को गिफ्ट किया गया था ठीक है भारत से इसका मतलब है कि भारत में पेंगोलिन जो है वो बड़ी मात्रा में पाए जाते थे और उनका कपड़ा बनाने में भी मतलब इस तरीके के आर्मर्स बनाने में भी यूज किया जाता था क्योंकि ये कैरटिन का इनका स्केल होता था जिसमें आसानी से तलवार और एरो वगैरह एंटर होना मुश्किल होता था तो उसकी स्किन से यहाँ पर आर्मर बनाने में भी इसका यूज किया गया होगा तो इसका मतलब है कि इस पीरियड में भी मेडिवल और इनिशियल पीरियड में भी मॉडर्न इंडिया के इनिशियल पीरियड में भी जिसको हम हिस्टोरिकली मॉडर्न इंडिया डिवाइड करते हैं उस पीरियड में भी इसका क्या किया गया होगा पोचिंग किया गया होगा ये मारा गया होगा इसको बनाने के लिए तो एक चीज ये भी याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप है जिसको हम ट्रैफिक बोलते हैं ट्रैफिक ने रिकॉग्नाइज किया है ट्रैफिक एक संस्था है ये भी जो है ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज के इनलीगल ट्रेड का मॉनिटरिंग करने का, का काम करती है ठीक है याद रखिएगा ट्रैफिक जो है वो डब्ल्यू ट्रैफिक जो है इट इज वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क और ये डब्ल्यू डब्ल्यू एफ डब्ल्यू क्या है डब्ल्यू जो है ना ये दुनिया के सबसे पुराने इनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करने वाले एनजीओ में से एक है तो डब्ल्यू और आई का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है ठीक है क्या ट्रैफिक कहते हैं उसको तो इट इज लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है ट्रैफिक ट्रैफिक तो ट्राफिक ने ये कहा है कि लगभग 159 159 रूट्स रूट्स हैं हैं स्मगलिंग जहां से इसका क्या किया जाता है ट्रेडिंग किया जाता है और इस रूट्स को शट शटडाउन करेंगे ठीक है इस रूट्स को शटडाउन करेंगे यहीं पर मुख्यतः निगरानी का केंद्र रखा जाएगा जिससे इसकी पोचिंग और इसका मारना कम हो ठीक है अब तो ये बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं सभी जगहों पर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुके हैं ठीक है पेंगुलेंस वगैरह ध्यान रखिएगा पेंगुलेंस से भारत में पहले अगर हम देखें तो इस तरीके के आर्मर्स वगैरह भी बनाए जाते थे तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ठीक है ट्रैफिक संस्था है जो कि ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है चलिए कुछ एमसीक्यूज़ यहां पर हम डिस्कस करते हैं ठीक है एमसीक्यूज़ यहां पर डिस्कस करते हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है कुछ एमसीक्यूज़ होंगे जो कल जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उस पर बेस्ड होंगे ठीक है और अब ऐसे ही करेंगे आज जो एमसी पढ़ा है उसका कल उस पर आज जो uh, करंट अफेयर्स पढ़ा है उस पर कल जो है मैं आपको एमसी जनरेट करके दूंगा पांच सात एमसी उस पर करेंगे एमसी एक बार अब जब आप कर लेते हैं तो आपके प्रैक्टिस में शामिल हो जाता है ठीक है आपके प्रैक्टिस में शामिल हो जाता है चलिए देखते हैं यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जैसे क्या स्टेटमेंट है भाई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ लिथियम सल्फर बैटरीज अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में लिथियम ऑयन बैटरीज के बारे में बीच में मैंने बोला भी था कि लिथियम ऑयन बैटरीज के काफी सारे ऑप्शन भी खोजे खोजेगा मतलब इनके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं तो उन्हीं ऑल्टरनेटिव में से एक है लिथियम सल्फर बैटरीज उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं जैसे लिथियम ऑयन बैटरीज कहा जाता है इनको ली एस बैटरीज कहा जाता है ली एस बैटरीज अभी तक आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में याद रखिएगा ली एस बैटरीज ली -S batteries, याद रखियेगा ली एस बैटरीज तो लिथियम ऑयन बैटरीज क्या होती है और लिथियम एस बैटरीज क्या होती है एस बैटरीज आर लिथियम सल्फर बैटरीज इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है ठीक है पहला स्टेटमेंट क्या है देवर रिप्लेसड बाय लिथियम ऑयन बैटरीज जो ली एस बैटरीज हैं, लिथियम सल्फर बैटरीज हैं ये लिथियम ऑयन बैटरीज के द्वारा रिप्लेस कर दी गई हैं, एज दे वर ससेप्टेबल टू ओवर हीटिंग मतलब ये वाली बैटरीज जो है वो ओवर हीट हो जाती हैं, ओवर हीट हो जाती हैं, और जल्दी से डैमेज हो जाती हैं, अगर हाई वोल्टेज होता है तो पहला स्टेटमेंट ये क्या कहा गया है कि लिथियम ऑयन बैटरीज ने लिथियम सल्फर बैटरी को रिप्लेस कर दिया है क्यों रिप्लेस किया है इस वजह से रिप्लेस किया है कि लिथियम सल्फर बैटरीज जो होती हैं ये जल्दी ओवरहीट हो जाती हैं जल्दी खराब हो जाती हैं हाई वोल्टेज की वजह से पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट क्या है लिथियम सल्फर बैटरीज हैव लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज कंपेयर टू लिथियम बैटरीज लिथियम सल्फर बैटरीज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम होता है आयन बैटरी से यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ठीक है कौन सा स्टेटमेंट सही है यह आपको बताना है ठीक है देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है एकदम यूपीएससी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है यूपीएससी ऐसे ही स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाती है पर मैं इसका जवाब आपको अभी नहीं दूंगा ठीक है जवाब आपको अभी नहीं दूंगा मैंने बोला था आज की क्लास में लिथियम से रिलेटेड मैं आपका इतना नॉलेज दे दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा एनर्जी सेक्टर में लिथियम से रिलेटेड आप उसको आंख मूंद करके कर लेंगे ठीक है चलिए तो एक वन लाइनर यहां पर है दूसरा यहां पर कुछ मैं फ्रेमिंग किया है सिंपल सिंपल क्वेश्चन जैसे वॉट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लिथियम ऑयन बैटरीज यहां पर आपको एमसीक्यूज जो पीछे हमने एमसीक्यूज देखा उसका भी आंसर मिल जाएगा ठीक है वॉट आर द डिसडवाटेज ऑफ लिथियम ऑयन बैटरीज अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर में बनता है कि टू इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी टू इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी भारत की ऊर्जा जरूरत जरूरतों को इंश्योर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेहीकल में बैटरी की डिमांड को इंश्योर करने के लिए लिथियम ऑयन बैटरीज की मांग बढ़ती जा रही है किस प्रकार से आयन बैटरीज जो हैं वो हमारे लिए खतरनाक हैं और आयन बैटरी के कौन कौन से अल्टरनेट या विकल्प प्रस्तुत किए जा सकते हैं अब ऐसा मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप कैसे फ्रेम करेंगे तो पहला क्या है ये समझना कि उसका डिसएडवांटेज क्या है आयन बैटरीज का जो डिसएडवांटेज है आयन बैटरीज क्या है इनको प्रोटेक्टिव सर्किट दिया जाता है प्रोटेक्टिव सर्किट मेंटेन करना पड़ता है एक निश्चित वोल्टेज मेंटेन करना पड़ता है नहीं तो ये बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग कर जाती हैं। पीछे जो स्टेटमेंट था वो समझ में आ रहा होगा आपको ठीक है तो ये

कैसे एलिमेंट्स हैं रेडियो एक्टिव नेचर के हो सकते हैं जब ये बैटरी के फॉर्म में होते हैं ठीक है तो इनका बहुत ज़्यादा अमाउंट ट्रांसपोर्टेशन जो करना है उसके लिए काफ़ी रेगुलेशन वगैरह पूर्ण करने होते हैं रेगुलेटरी जो प्रबंध किए गए हैं उनको पूर्ण करना होता है लाइसेंस वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं इनका जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथीमॉन बैटरीज इज़ कॉस्टलियर देन निकल कैडमियम बैटरीज जो निकल कैडमियम बैटरी जो अम्यूमन सेल वगैरह हम लोग घड़ी वगैरह में यूज करते हैं वॉचेस वगैरह में निकल कैडमियम जो बैटरीज होती हैं उनसे ये ज्यादा कॉस्टली होती हैं लिथियम ऑयन बैटरी सफर फ्रॉम द इशू ऑफ एजिंग ठीक है मतलब एजिंग मतलब लंबे समय तक यूज होंगी पर उसके बाद खराब होती हैं तो इनको डिस्पोज करना मुश्किल होता है ठीक है और लिथियम ऑयन बैटरीज आर कंसीडर्ड टू बी एन इमेच्योर टेक्नोलॉजी क्या है ये बहुत ज्यादा मिच्योर टेक्नोलॉजी नहीं है क्यों मिच्योर नहीं है क्योंकि इसका साइकिल नहीं पूरा हुआ है साइकिल मतलब साइकिल पूरा होने का मतलब है साइकिल पूरा होने का मतलब है बैटरी आपने बनाई मैंने आपको पीछे जिन लोगों ने लिथियम ऑयन पर अभी पूरा क्लास नहीं देखा है वो उसको शुरू से थोड़ा सा देख लें मैंने आपको एक सर्कल बताया था ठीक है एक अच्छी बैटरी जो है वो कैसी होनी चाहिए ठीक है जो यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कमीशन के द्वारा वो जारी किया गया था सर्कुलर जिसमें अच्छी बैटरी जो है वो कैसी होनी चाहिए तो जिस बैटरी का ये सर्कल पूरा होता है सर्कल पूरा होता है वही मेच्योर टेक्नोलॉजी मतलब बैटरी बनाना ही नहीं बल्कि उसको रिसाइकल करना और उसमें जो मटीरियल यूज हुआ है उसको री करना तो रिसाइकल और रीयूज जो है वो लिथियम आयन बैटरी का संभव नहीं है इस वजह से यह क्या है इमेच्योर टेक्नोलॉजी कही जाती है तो दीज आर द डिसएडवांटेज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं पोल्यूशन क्रिएट करेगी जब इसको धरती बिगाड़ दिया जाएगा है ना अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस अभी मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि लिथियम आयन बैटरीज इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है पर इसके डिसएडवांटेजेस हैं ठीक है और क्या अल्टरनेटिव इसके हो सकते हैं ठीक है मेंस में क्या आपका क्वेश्चन मिला कि क्या अल्टरनेटिव्स इसके हो सकते हैं ठीक है ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं यह भी आपसे पूछा गया कि इसके कौन से ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं पढ़ने के बाद में आपको बहुत सारे और स्कोप पता चल जाएंगे कि लिथियम आयन बैटरी के अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में दूसरी कौन सी चीजें यूज की जा सकती हैं ठीक है सो द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन लिथियम बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज इज दैट लिथियम बैटरीज फीचर अ सिंगल सेल कंस्ट्रक्शन ठीक है मैं आपको बताता हूं यहां पर कौन कौन सी जो है ना जो बैटरीज हैं वो यूज होती हैं वॉट आर द मेन यूजेज ऑफ लिथियम आयन बैटरीज तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में पोर्टेबल होती हैं ये मैं आपको बता चुका हूं चार्जेबल रिचार्जेबल होती हैं पोर्टेबल होती हैं ठीक है सोलर पावर वगैरह से भी इनको रिचार्ज वगैरह किया जा सकता है सोलर पैनल वगैरह से ये इसके फायदे होते हैं पर कुछ और बैटरीज हैं जो ऑप्शन है इसके जगह पर ऑल्टरनेट है इसका क्या ग्रेफेन बैटरीज ग्रेफेन बैटरीज क्या होती हैं ग्रेफेन बैटरीज मे बी एन इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव ऑफ लिथियम ऑयन बैटरीज ठीक है दो हजार दस में नोबे प्राइज भी दिया गया है, के लिए. अब जो होती है ये जो है दीज आर न्यूली स्टेबिलाईज एंड आइसोलेटेड मटीरियल से बनाए ग्रेफेन से यह बनाई जाती है ठीक है और ये ज्यादा एनर्जी डेंसिटी प्रेजेंट करती है लिथियम ऑयन बैटरीज से ग्रेफिन वाली बैटरी इसीलिए बहुत सारे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा लो भाई मैं हट जाता हूं आपको दिखाई पड़े अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ऐसे पढ़ के आपको बता देता हूं ठीक है या जूम भी कर सकते हैं क्या रुको रुको ठीक है थोड़ा तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी ओके एक होती है फ्लोराइड बैटरीज फ्लोराइड बैटरीज हैव द हैव द पोटेंशियल टू लास्ट एट टाइम लॉन्गर देन लिथियम बैटरीज तो फ्लोराइड बैटरीज जो है वो लिथियम बैटरी से आठ गुना ज्यादा पावरफुल होती हैं ग्रेफेन बैटरीज जो है वो ज्यादा एनर्जी डेंसिटी वाली होती हैं लिथियम बैटरी से एक बैटरी होती है सैंड बैटरी ठीक है सैंड बैटरी सो ये सैंड बैटरी जो होती है बेसिकली सैंड बैटरी सिलिका बेस्ड बैटरी होती है ठीक है सैंड बैटरी जो है सैंड बैटरी जो है वो सिलिका बेस्ड बैटरी होती है ठीक है सो दिस टाइप ऑफ लिथियम ऑयन बैटरी यूजेज क्या किससे बनती है से बनती है से बनती है थ्री टाइम्स बेटर परफॉर्मर होती लिथियम ऑयन बैटरी से ठीक है तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव लिथियम ऑयन बैटरी के हो सकते हैं तो ग्रेफेन बैटरी हो सकती हैं ठीक है फ्लोराइड बैटरी हो सकती हैं सैंड बैटरीज हो सकती है इससे तीन गुना ज्यादा होती हैं फ्लोराइड जो बैटरी होती है ये इससे आठ गुना ज्यादा चल सकती हैं लंबे ड्यूरेशन ठीक है फिर अमोनिया पावर्ड बैटरी होती है इसमें बेसिकली अमोनिया को यूज करके बनाया जाता है लिथियम सल्फर बैटरी जिस पर मैंने अभी एक क्वेश्चन बनाया हुआ है लिथियम सल्फर बैटरी यहां से आपको पता चल जाएगा कि लिथियम सल्फर बैटरी ऑस्ट्रेलिया में काफी डेवलप की गई हैं और ये सबसे ज्यादा पावरफुल रिचार्जेबल बैटरीज मानी जाती है लिथियम सल्फर बैटरीज तो आप एक चीज ध्यान कर लीजिएगा कि आने वाले टाइम में लिथियम ऑयल बैटरी के जगह पर लिथियम जो सल्फर बैटरीज हैं उनका यूज बढ़ने वाला है क्यों बढ़ने वाला है क्योंकि सल्फर जो होता है वो ज्यादा सस्ता पड़ता है लिथियम के साथ में कोबाल्ट यूज किया जाता है लिथियम ऑयन बैटरी में और लिथियम सल्फर बैटरी में लिथियम के साथ में सल्फर यूज किया जाता है तो सल्फर जो है वो कोबाल्ट से ज्यादा सस्ता पड़ता है इसकी वजह से लिथियम ऑयन बैटरीज लिथियम ली, सल्फर बैटरीज जो होती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रिचार्जेबल बैटरीज में से आती हैं लिथियम सल्फर बैटरी ठीक है और ये चार गुना बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं उस बैटरी से इसके अलावा रिसर्चर्स ने माना है कि लिथियम सल्फर बैटरीज आर लाइटर एंड चीपर देन वाइडली यूज लिथियम आयन बैटरीज एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड कॉस्ट इफेक्टिव इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर ठीक है अब एक चीज ध्यान कर लीजिएगा लिथियम जितनी भी बैटरीज हैं इसमें जो सबसे ज्यादा बेहतर है वो लिथियम सल्फर बैटरी है ठीक है बात समझ गए तो लिथियम सल्फर बैटरी जो है वो सबसे बेहतर सबसे पावरफुल सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सबसे कम पैसे में प्रोड्यूस हो जाने वाली सबसे अच्छी रिचार्जेबल बैटरीज में आती है ठीक है फिर कार्बन uh, नैनोट्यूब वाली बैटरी होती है ये काफी अभी नेसेंट स्टेज में है ये अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है लेबोरेटरी लेवल पर ही इसका कुछ डेवलपमेंट हुआ है कोबाल्ट फ्री बैटरीज जो है वो है इसके बारे में ज्यादा हम नहीं जानेंगे मेनली आप याद रखिएगा किसके बारे में लिथियम सल्फर बैटरी के बारे में क्योंकि भारत में ये नई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आने वाली है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको मिल सकते हैं ठीक है, है? इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल हैं आते हैं एमसीक्यूज़ पर ठीक है हमने क्या एमसीक्यूज में क्या था एमसीक्यूज में था कि भाई दे वर रिप्लेस्ड बाई लिथियम ऑयन बैटरीज नहीं लिथियम ऑयन बैटरीज जो है वो रिप्लेस होंगी लिथियम सल्फर बैटरी के द्वारा ठीक है याद रखिएगा लिथियम सल्फर बैटरी के द्वारा रिप्लेस की जाएंगी लिथियम ऑयन बैटरीज तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है ओवर हीटिंग की वजह से लिथियम ऑयन बैटरी खराब होती है जल्दी ओवर हीट करती है आपके फोन वगैरह भी जल्दी ओवर हीट हो जाते होंगे तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है लिथियम सल्फर बैटरीज हैज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज कंपेयर टू तो द लिथियम बैटरीज ये स्टेटमेंट सही है ठीक है तो ओनली बी इज राइट अब ये दोनों बैटरीज आप याद रखिएगा लिथियम ऑयन बैटरी लिथियम सल्फर बैटरी फ्यूचर जो है वो लिथियम सल्फर बैटरी का है मोनिका आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है ओनली टू ठीक है ओनली टू इज राइट आंसर ठीक है ओनली टू वेरी गुड ठीक है तो डिफरेंस आप समझ गए लिथियम ऑयन बैटरी का लिथियम सल्फर बैटरी का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी मिलने वाला है बहुत बड़े अमाउंट में मिलेगा मेन्स में भी मिलेगा ठीक है क्यों मिलेगा क्योंकि पूरा जो पॉलिसी शिफ्ट है ना वो लिथियम की तरफ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ज्यादा से ज्यादा क्योंकि टेस्ला भी भारतीय मार्केट में आने वाली है तो उससे देखिएगा डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा तो ऑल्टरनेट बैटरीज के मैंने कुछ ऑप्शन आपको बता दी और सबसे अच्छा ऑल्टरनेट जो है वो लिथियम आयन बैटरी का हो सकता है लिथियम सल्फर बैटरीज इससे ज्यादा पावरफुल होती हैं ओवरहीटिंग नहीं होती है कम वोल्टेज में चार्ज हो जाती हैं कम पैसे में प्रोड्यूस हो जाती हैं कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा अच्छा बैठता है इसीलिए इसीलिए इकोन यूरोपियन कमीशन ने भी इनको ज्यादा बेटर बैटरी के रूप में कैटेगराइज किया है ग्रीन बैटरी के रूप में कैटेगराइज किया है क्योंकि इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसफैट ट्रांसफैट पर मैंने कल पूरा लेक्चर बताया था आपको कौन कौन से फैट के टाइप होते हैं ये सारी चीजें भी मैंने आपको बताई थी ठीक है <coughs> तो ट्रांस फैट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं ठीक है याद रखिएगा ट्रांस फैट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकता है क्योंकि काफी लंबे समय के बाद एफ ने ट्रांस फैटी ने एसिड को फूड आइटम में दो परसेंट पांच परसेंट से रिड्यूस करके दो परसेंट तक लाने के टारगेट डिसाइड कर दिए हैं ठीक है? और एफ और आई का ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने जा रहा है ठीक है तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कल जिन लोगों ने नहीं देखा है आज की क्लास वो कल की क्लास जरूर देख लें ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग नाउ नाउ वॉट इज ट्रांस Fat, आ, फैट ठीक है मैंने कल ट्रांसफैट पर पूरा लेक्चर लिया जिन लोगों ने नहीं देखा वो कल जाके देख लें कितने टाइप के फैट होते हैं कौन सा फैट सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है और हेल्थ इंपैक्ट क्या होते हैं इन फैट्स के ये जरूर जाकर के देख लीजिए ठीक है कल की कल की जो पांच जनवरी की है उस क्लास में आप इसको देख सकते हैं ठीक है नाउ ट्रांसफैट इज अ टाइप ऑफ अनसेटेड फैट स्टेटमेंट क्या है ट्रांस फैट इज अ टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड फैट ठीक है ट्रांस फैट ऑल्सो अकर नेचुरली नेचुरली भी पाया जाता है ट्रांस फैट और ट्रांस फैट गिव फूड टू डिजायरेबल टेस्ट एंड टेक्सचर ठीक है देर आर थ्री स्टेटमेंट अगर जिन्होंने कल की क्लास की होगी वो बहुत जल्दी हाँ जी बिल्कुल डेली क्लासेस होती हैं हर दिन का जैसे आज छह तारीख का करंट अफेयर डिस्कस किया कल सात तारीख का डिस्कस होगा करंट अफेयर कुछ एमसीक्यूज ये सब डिस्कस होंगे बहुत जल्दी मैं एमसीक्यूज की अलग क्लास कर दूंगा ठीक है करंट अफेयर आपका डेढ़ घंटे चलेगा उसके अलावा लगभग एक घंटे के आसपास आपके एमसीक्यूज चलेंगे ठीक है चलिए तो ट्रांसफैट इज अ टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड फैट कल मैंने पढ़ाया था यस ट्रांसफैट जो है वो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं ट्रांसफैट ऑल्सो अकर नेचुरली हाँ जी नेचुरली भी पाए जाते हैं फूड वगैरह में पाया जाएगा फ्रूट में वेजिटेबल्स में पाया जाएगा नेचुरली भी ट्रांसफैट जो है वो पाया जाता है ठीक है ललित गुड इवनिंग ठीक है ट्रांस फैट एक अनसेचुरेटेड फैट होता है का मतलब है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एड होने का और जगह होती है मतलब एकदम भर गया अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ठीक है है पर इसमें क्या ट्रांस फैट में और भी हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड हो सकते हैं अब जैसे जो खाने का तेल होता है रिफाइन वगैरह होता है एक बार आपने उसको गर्म किया ठीक है समोसा तला उसमें और उसके बाद वो ठंडा हो गया फिर से उसको गर्म किया जब आप उसको दोबारा गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है और हाइड्रोजन hydrogen, हाइड्रोजनाइजेशन हो जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजनाइजेशन हाइड्रोजन एड हो गया उसमें ठीक है तो ट्रांसफैट अनसेटेड फैट होता है दिस इज राइट स्टेटमेंट ट्रांसफेट ऑल्सो अकर नेचुरली यस ट्रांसफैट जो है वो क्या है नेचुरली अकर करता है फ्रूट्स में भी है वेजिटेबल्स में भी है और ट्रांस फैट गिव फूड अ डिजायरेबल टेस्ट एंड टेक्सचर बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट यूज करती हैं क्योंकि ये गाढ़ा होता है थिक होता है और ये फूड के टेस्ट को जो है वो इंक्रीज करता है ठीक है फूड के टेस्ट को इंक्रीज करता है जैसे के वगैरह में जो फ्राइड चिकन वगैरह दिया जाता है उसमें ट्रांसफैट होता है ठीक है ट्रांसफैट जो है वैसे तो बैड कोलेस्ट्रोल है ये ज्यादा अमाउंट में ये बैड कोलेस्ट्रोल है कल की क्लास आप देख लीजिए आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ट्रांसफर्ड से ठीक है तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो यहां पर राइट right है ऑप्शन कौन सा सही है डी ऑप्शन इज राइट ठीक है इंग्लिश कैसे इंप्रूव करे बेटा इंग्लिश ठीक है इंग्लिश जो है वो कोई भी लैंग्वेज ठीक है एनी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज के चार पिलर होते हैं स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग ठीक है स्पीकिंग आती है लिसनिंग से जैसे जब बच्चा छोटा होता है नितेश आपका क्वेश्चन है ना नितेश तो सुरेंद्र नमस्ते नितेश अगर आप ऑनलाइन हैं तो बात समझ लीजिए कि जो लिसनिंग है लिसनिंग जितना बेहतर आप करेंगे जितना इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश uh, समाचार वगैरह सुनिए किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनिए बेहतर स्पीकर को सुनिए तो जितना ज़्यादा आप लिसनिंग करेंगे आपका स्पीकिंग डेवलप हो, होगा ठीक है तो कोई बच्चा क्या करता है पहले सुनता है उसको बोलना स्टार्ट करता है तो नेचुरली आपको कोई लैंग्वेज तभी आएगी जब आप उसको पहले सुनना स्टार्ट करेंगे समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं सुनते रहो ठीक है सुनते रहो एक बच्चा उसको सुनता रहता है फिर उसको रिपीट करना स्टार्ट करता है स्पीकिंग डेवलप होता है तो स्पीकिंग कम्स फ्रॉम लिसनिंग ठीक है और एक अच्छा लिसनर होना एक बहुत अच्छी बात होती है और और राइटिंग कम्स फ्रॉम रीडिंग रीडिंग से राइटिंग आती है ठीक है तो ये चार पिलर पर आपको काम करना होगा ठीक है ये चार पिलर पर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग इन चार पिलर पे आपको काम करना होगा जब आप इन पिलर्स पर काम करेंगे ठीक है तो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप हो जाएगा ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ये भी कल मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है वो किसके अंतर्गत आता है तो कल की क्लास देखेंगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा कि इट इज अ इट इज होस्टेड एंड फंडेड बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ठीक है इट मॉनिटर्स एंड मेक्स रिकमेंडेशन अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ठीक है तो पहला जो स्टेटमेंट है इट इज होस्टेड एंड फंडेड बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नहीं ये जी ट्वेंटी के द्वारा होस्टेड और फंडेड है ठीक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यह जी ट्वेंटी के द्वारा होस्टेड एंड फंडेड है और यस yes, ये मॉनिटर करता है रिकमेंडेशन देता है अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर ये अपने रिकमेंडेशन वगैरह देता है तो ओनली टू इज राइट स्टेटमेंट ये कल के करंट अफेयर से क्वेश्चन रहा है ठीक है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ठीक है ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है ठीक है तो ये भी एक क्वेश्चन ये मैंने कल पढ़ाया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि कोविड वगैरह की वैक्सीन वगैरह आ रही है ये सारी चीजें जो हैं इसकी वजह से ये जो ऑफिस है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो ड्रग कंट्रोलर जनरल का जो ऑफिस है ये किसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दोनों के किसी के नहीं ठीक है तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है कौन है अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तो वीजी सोमानी वीजी सोमानी जो है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंटली है ठीक है वीजी सोमानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अक्रॉस कल ये करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली डिस्क्राइब अबाउट एक्रॉस स्कीम एकम के बारे में कौन सा सही है प्रोवाइड अ रिलायबल वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी डेवेलप हाई रेजोल्यूशन मॉडल फॉर ओशन फोरकास्ट फोरकास्ट एनालिसिस सिस्टम इंप्रूव सीजनल एंड इंट्रा सीजनल मॉनसून फोरकास्ट ऑल द अब ठीक है एक बारे में कल मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है एक है वो क्लाइमेट वेदर फोरकास्ट के बारे में है ओशियन फोरकास्ट के बारे में है और पूरा सीजनल मॉनसूनल फोरकास्ट के बारे में है तो ऑल द अब आर राइट अबाउट द अक्रॉस स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है अक्रॉस स्कीम से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाउ व्हाट इज रिप्लेस कैंपेन ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रिप्लेस कैंपेन कल ही बताया था रिप्लेस कैंपेन क्या है रिप्लेस का मतलब है रिप्लेस ऑल पेट्रोल डीजल व्हीकल टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बाई ट्वेंटी थर्टी इसके बारे में है रिप्लेस रिप्लेस अ कूलिंग सिस्टम इन गवर्नमेंट बिल्डिंग विद एनर्जी एनर्जी एफिशियंट कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड प्रोटीन रिच फूड टू चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट स्कूल और एलिमिनेट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूज ट्रांसफेटी एसिड फ्रॉम द ग्लोबल फूड तो रिप्लेस कल पढ़ाया था यह डब्ल्यू एच ओ का एक कैंपेन है जिसमें डब्ल्यू एच ओ ट्रांस फैटी एसिड को रिमूव करने के बारे में कह रहा है 2020-2022 तक जितना भी फूड आइटम है उसमें उसमें से कम हो जाना चाहिए ट्रांस फैटी एसिड तो रिप्लेस ट्रांस फैटी एसिड से रिलेटेड कैंपेन है इसके बारे में मैंने कल पढ़ाया हुआ है ठीक है सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास कल रिंकू आप कल की क्लास अगर नहीं अटेन कर पाए हैं तो कल का वीडियो पड़ा हुआ है ठीक है वीडियो पड़ा हुआ है आप वीडियो जा के फिर से देख लीजिए ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए यूपीएससी अगर आप टारगेट कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस तो इस तरीके की जो स्कीम्स वगैरह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए ठीक है चलिए मिलते हैं कल की क्लास में थैंक यू सो मच